सबने बाय कर लिया। क्लियर इंडिकेटर भी कह रहे हैं, फंडामेंटल भी कह रहे हैं, न्यूज़ भी कह रही है, और एक बंदा कंफर्म भी कर रहा है कि इसके पास इनसाइड टिप है। देखो यार, बुक से किसी ने पैसे नहीं कमाए, बुक लिखने वाला बुक बेच के पैसे कमा रहा है, और कैसे नहीं कमा रहा। अच्छा, ऐसा अमाउंट था कि सर मैं आपको बताऊं कि अगर मैं चाहूं तो वो रोहिणी में फ्लैट ले सकता था उस लॉस से, अगर वो प्रॉफिट में होता तो। मैं सातवें आसमान में था, मुझे लगता था कि मार्केट में मतलब मुझसे बड़ा कोई है ही नहीं। एक चाय वाला आया मेरे पास, उसने बोला सर आपका क्या? मैं कहा सर मेरा क्या मतलब? वो उसके पास पेपर था, तो मैं कहा सर ये क्या है? तो उसने सौदा बोला बताओ अपना। हाँ दोस्तों, स्टॉक मार्केट में काफ़ी अंधेरी गलियां होती हैं, और इन अंधेरी गलियों से निकलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। मतलब आपका इतना नुकसान होएगा कि आप कहेंगे कि यार स्टॉक मार्केट जुआ है, ये है, वो है, और आप कभी वापस नहीं जाएंगे। लेकिन जो आज इस पॉडकास्ट में हमारे साथ विपिन कुमार आए हैं, वो इन अंधेरी गलियों में ही रहे हैं। आज की तारीख में उन गलियों से निकल चुके हैं और अभी स्टॉक मार्केट साफ तरीके से कर रहे हैं। लेकिन एक पॉइंट इन टाइम पे अपने पिता से झूठ बोल के कहा कि मैं एक बिजनेस करना चाहता हूँ, उनसे पैसे लिए, स्टॉक मार्केट में पैसे लगा दिए, नुकसान कर लिया। पिता ने मुझे पूछा कि क्या बिजनेस कर रहे हो, बताओ मुझे, कागजात दिखाओ, फेक डॉक्यूमेंट बनाए, फेक रजिस्ट्रेशन, सब कुछ फेक। पिता को दिखाया कि पिताजी मैं ये कर रहा हूँ। इसके बाद डब्बा ट्रेडिंग, आईपीओ का ग्रे मार्केट, अपने दोस्तों का पैसा गंवाना, ऐसा क्या मतलब नहीं किया कि जो नहीं करना चाहिए था। विपिन कुमार को समझ में आया कि ये सबसे नहीं चलेगा, कि उनको स्टॉक मार्केट में कुछ करना है और अपने घर वालों के लिए कुछ करना है, अपनी ज़िंदगी में कुछ करना है, तो एक्चुअल में साफ तरीके से समझ के मार्केट को, पैसे की वैल्यू समझ के, मार्केट की इज्जत करके पैसा कमाया जा सकता है। मार्केट में बहुत सारे पीछे के दरवाजे होते हैं, लेकिन एक्चुअल में अच्छी एंट्री फ्रंट डोर से ही हो सकती है। तो दोस्तों, इस पॉडकास्ट में विपिन कुमार की इस पूरी जर्नी को समझने की कोशिश करेंगे। जो गलतियों से वो सीखे, उन गलतियों से हम भी सीख सकते हैं। जो जर्नी उन्होंने गुजारी और उसमें से जो चैलेंजेस फेस किए और उसके बाद एक विनर की तरह बाहर आए हैं, उससे भी इंस्पिरेशन ली जा सकती है। ये पॉडकास्ट एक अलग तरह की डिस्कशन थी। इसमें चेक कीजिएगा कि आप इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें सीखेंगे जो चाहे अनचाहे आप कर देंगे या नहीं कर देंगे, उसके लिए आपको पहले से ही अवेयर कर देगी। तो आइए शुरू करते हैं। विपिन कुमार, दिल्ली का लड़का जो कि आ गया है स्टॉक मार्केट की दुनिया में। विपिन, आपकी कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, बट आज की तारीख में आप जहाँ पे हो उस तक अपन पहुँचेंगे, लेकिन मेरे को वहाँ पे जाना है जब आपने शुरू किया था। तो अगर आपने कोई भी पॉडकास्ट देखा है वीडियो में, तो हम पहला सवाल यही पूछते हैं। पहला सवाल सेम होता है, बाकी सारे सवाल अलग होते हैं। तो पहला सवाल आपसे भी वही है विपिन, कि आपने अपनी ज़िंदगी में स्टॉक मार्केट या स्टॉक वर्ड या शेयर वर्ड, स्टॉक मार्केट वाला शेयर कहाँ सुना, कब सुना, क्या समझ आई आपको उससे? मैं पहले फाइनेंस बैकग्राउंड से हूँ, कॉमर्स में स्टडी किया 12th तक, उसके बाद मैंने BBA किया। तो मैंने यूट्यूब पर सर्च किया क्या होता है, कैसे इसमें काम करते हैं, तो मतलब कई सारी चीज़ें अलग थी। बुक में कुछ लिखा हुआ है, यूट्यूब पे वीडियो कुछ और हैं, तो समझ में नहीं आ रहा। फिर ट्यूशन टीचर से बात की जो कैट के टाइम प्रिपेयर कर रहे थे, तो वो कह रहे कि यार आपकी एज कम है, अभी इस फील्ड में जाना बेवकूफ़ी है, और इस फील्ड का कुछ करियर नहीं है। उन्होंने कहा आप पहले कैट क्लियर कर लो, MBA में ज्वाइन कर लो, फिर उसके बाद कहीं जॉब लग जाएगी, फिर उसके बाद साइड इन्वेस्टमेंट में आप देख सकते हैं उसे। बहुत लॉन्ग जर्नी उन्होंने बताई मुझे। तो पर चक्कर क्या है सर, पैसा आता है तो आदमी को लगता है कि यार कुछ तो है। फिर उस टाइम पे फिर मैंने सोचा कि ना, मैंने अपने फादर से बोला कि मैं इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट में जाना चाहता हूँ। लकीली मेरे फादर इतने सही थे कि उन्होंने मेरे को हेल्प किया। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, पैसे लग रहे हैं, आप जाइए क्लासेस लीजिए, कोई बात नहीं, देख लेंगे। तो फिर मैं दिल्ली में क्या टेक्निकल बात है, एनालिस्ट कोर्स के लिए मैंने इनरोल किया, और फिर मैंने वहाँ से ज्वाइन किया, जिसमें हमें इंटरनेशनल मार्केट फंडामेंटल सब सिखाया गया प्रैक्टिकली भी। और फिर वहाँ से मेरी जर्नी स्टॉक मार्केट स्टार्ट हुई, पर वहाँ भी क्लियरली नहीं हुई। उसमें क्या था ना, अधिकतर सब ना मार्केट में, मैंने अभी तक देखा, ऐसे मेरी एज इतनी है नहीं मार्केट की लाइक, बट मैं बता रहा हूँ कि मैंने जितने को भी देखा, सब अधिकतर बाय करके चलते हैं। मार्केट कहीं भी जा रही हो, सभी कहेंगे बाय कर लो, बाय कर लो, गिरेगा तो डिप पे और बाय कर लेंगे, एवरेज बना लेंगे। तो टेक्निकल में भी वो यही सिखा रहे थे कि आप कैंडल स्टिक्स देख लीजिए, पैटर्न देख लीजिए, न्यूज़ देखिए, मतलब बहुत सारी चीज़ें। पर उसके बाद क्या हुआ सर, लॉन्ग जर्नी थी इसकी, कोर्स की। तो उसके बाद मेरी मुलाकात एक बंदे से हुई जो अपना UP साइड के थे, वो 2014 से मार्केट में ट्रेड कर रहे थे, अंकित जी नाम है उनका। और वो मेरे साथ फिर दोस्ती हुई उनसे, तो उन्होंने मुझे बताया कि मार्केट का एक दूसरा एंगल भी है,
जो यहाँ नहीं बताया जा रहा। तो मैंने बोला क्या है कि देखो मैंने बुक्स तो पढ़ी पर कुछ समझ में नहीं आ रहा है काम करते कैसे हैं। तो उन्होंने मुझे शॉर्ट सेल करना सिखाया कि बाय करके चल, उन्होंने ओके मुझे कहा, उन्होंने कहा कि बाय करके तो बेवकूफ़ चलते हैं भाई, जो पैसा बनाता है शॉर्ट सेल करके बनाता है, बायर तो बस मार्केट में ठुकने के लिए आया है। तो मैंने कहा यार ऐसे कैसे अभी, अब मैंने कहा कि मतलब ये सर आप यकीन नहीं करेंगे, उस इंस्टीट्यूट में यूएस से बंदे थे, सऊदी से थे, इंडियंस थे, जो मतलब एमएनसीज में काम कर रहे हैं वो सीखने आए थे वहाँ पे उस इंस्टीट्यूट में। तो मैंने कहा कि ये इतनी चीज़ सिखा रहे हैं पर आप कुछ अलग बता रहे हैं, और शॉर्ट सेल करने के लिए मार्जिन नहीं होता था ऑप्शन में, और फिर कैसे काम करेंगे। तो उन्होंने मुझे दिखाया अपना पोर्टफोलियो कि जब पूरा इंस्टीट्यूट मिलके बाय कर रहा है कि इंडिकेटर बाय कह रहे हैं, हम 15 मिनट के लिए बाय करते थे, 2 रुपये 3 रुपये ऊपर गया, फिर एक लॉन्ग डिप आती थी 15 15 रुपये की, तो वो उस टाइम शॉर्ट करते थे। तो फिर मैं धीरे धीरे उनके साथ काम करना सीखा। मार्केट में इंडिकेटर्स बहुत सारे हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा कि इंडिकेटर यूज़ कौन सा करना है, न्यूज़ अलग अलग आ रही हैं, कई बार क्या होता था कि टिप में फंस जाते थे। अब 40 50 लड़के बैठे हुए हैं, किसी ने कह दिया कि मुझे टिप मिली है कि कोई शेयर बहुत ऊपर जाएगा जिस इसे उठा लेते हैं, सब ने बाय कर लिया कि यार इंडिकेटर भी कह रहे हैं, फंडामेंटल भी कह रहे हैं, न्यूज़ भी कह रही है, और एक बंदा कंफर्म भी कर रहा है कि इसके पास इनसाइड टिप है। इंस्टीट्यूट में सब लड़के लोग बात सर से तो बात नहीं करते थे इस बारे में, तो हमने बाय कर लिया इंडिकेटर के हिसाब से भी कि सही लग रहा है, मगर बहुत तगड़े तगड़े लॉसेस उससे हुए। ऐसा हुआ कि पूरा पैसा गया, मैंने कैट की कोचिंग छोड़ के वो सारा पैसा निकाला, मार्केट में डालना शुरू किया। विपिन, इतना कुछ जी हो रहा है, आप सीखने आए हो, घर वालों से परमिशन लेके, घर वालों की अलाउ, घर वालों ने अलाउ किया, पापा ने खुद करवाया एडमिशन टेक्निकल जी एनालिसिस के कोर्स में, वहाँ पे जो सीखने आए उसके एग्जैक्ट उल्टा आपको बताया जा रहा है और करके भी दिखाया जा रहा है। तो आपको अभी मैं आपको इसलिए रोक रहा हूँ क्योंकि जी बहुत सारी चीज़ें इंटरेस्टिंग आ गई हैं उसमें से जिसके बारे में जानना ज़रूरी है। तो यार, आपके जो अभी तक आपका माइंडसेट था उसको चेंज करने की कोशिश की जा रही है और विद प्रूफ दिखाया जा रहा है कि यार इतनी बड़ी डिप आती है तब जाके मार्केट में आओ, तुम उल्टा क्यों जा रहे हो, बल्कि तुम सीधा जा रहे थे मोर लेस जनरली टर्म्स में, कन्वेंशनल यही कहा जाता है ना कि बाय करो सारे। जी तो जी उस केस में कितना को टाइम लगा अपने माइंडसेट को चेंज करने में, किया माइंडसेट चेंज पहली बात तो, और किया तो जी उसके लिए क्या प्रोसेस थी? सर माइंडसेट चेंज करने से कम मुझे 3 महीने से ऊपर लग गया। पहले मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि फंडामेंटल, फिर ऑप्शन चेंज, सब चीज़ देखना, उसके बाद भी हम कहीं ना कहीं उसके अंदर लैग था कि इंडिकेटर्स के भरोसे बैठ नहीं सकते थे। 2018-19 में सर जब मैंने ट्रेड करना शुरू किया, तो सर उस टाइम पे ना मार्केट निफ्टी का मूवमेंट 50 और 100 के बीच चलता था, कि अगर 50 से 100 पॉइंट मूव कर गया तो एक बड़ी न्यूज़ होती थी। अगर इस टाइम पे आप देखेंगे तो 150 200 पॉइंट तक अगर नई मूवमेंट ले रहा तो निफ्टी नॉर्मल चल रहा है। अब मैं बाय करके चल रहा हूँ, स्टॉक 10 रुपये 2 रुपये 3 रुपये इतना ही बढ़ रहे हैं, अब लिमिटेड इन्वेस्टमेंट अमाउंट है तो प्रॉफिट इतना बड़ा दिखता नहीं है। अब जो शॉर्ट कर रहा है उसमें डिप 16 16 20 20 रुपये की मिल रही है। तो फिर मैंने सोचा कि यार टेक्निकल भी सही कर रहा है, फंडामेंटल भी चल रहे हैं, पर वो प्रॉफिट बुक नहीं हो पा रहा जिस हिसाब से होना चाहिए। मेरा माइंडसेट तब चेंज हुआ जब उन्होंने सेम अमाउंट से कहा आज तुम अपने टिप पे काम करो, जो तुम्हें लगता है कि जो टेक्निकल इंडिकेटर सब कुछ तुम अपने हिसाब से स्टॉक लो, मैं अपने हिसाब से लूँगा, सेम अमाउंट से इन्वेस्ट करेंगे आज। तो फिर उसके बाद मैंने एक स्टॉक बाय किया जो मेरे रेट से 12 से 13 रुपये ऊपर गया, पर मेरे अब वही बात थी ना, नया नया सीखा था, तो अब मेरे क्या नाम है टारगेट्स 25 रुपये ऊपर थे। तो मैंने कहा कि यार इंडिकेटर के हिसाब से मुझे तो ये लग रहा है, मैंने होल्ड किया, मैंने टारगेट लगा दिया। फिर उस मार्केट का एक टर्म चलता था कि एग्जैक्ट पॉइंट नहीं लगाना, 0.5 लगा दो या 9.5 लगा दो, वो 65 पैसे के आसपास से आके रुक गया, 5 पैसे से मेरा प्रॉफिट नहीं बुक हुआ। अब मैं वेट कर रहा कि अब आएगा अब आएगा, सर ने कहा चेंज नहीं करना, मैं बिल्कुल जैसे उन्होंने किताब में लिखा है सर ने पढ़ाया, मैं बिल्कुल वैसे ट्रेड कर रहा था, मैं प्रॉफिट नहीं बुक कर पाया, और वो उसके थोड़ी देर बाद वो बराबर लॉस में मुझे काटना पड़ा, और मैंने काटा भी किया, वो तो एक्सचेंज से ही कट गया, मैं वेट करता रहा और ऑटोमेटिक इंट्राडे था वो ऑटोमेटिक कट हो गया, स्क्वायर ऑफ हो गया, और उन्होंने उसी अमाउंट से बहुत अच्छा प्रॉफिट बुक किया। तो फिर उन्होंने मुझे कई सारी चीज़ थ्योरी समझाई कि बेयर बन जाओ, ये करो, कार्टेल किस तरह चलते हैं, तो उन्होंने मुझे फिर मार्केट का एक ऐसा बैकडोर दिखाया जो एक्चुअल में लोगों ने ढाक के रखा है, जो उन्होंने की मतलब नए इन्वेस्टर को मालूम ही नहीं होता कि आप शॉर्ट भी कर सकते हो। अधिकतर से अगर मैं बात करता हूँ आज के डेट में, कईयों को मालूम नहीं होता कि आप शॉर्ट कैसे कर करेक्ट सकते हो, ठीक है, और वो ऑप्शंस में घुसने लगते हैं कि ऑप्शंस में काम कर लेते हैं, क्योंकि अब नए नए जब हमने टेक्निकल सीखा तो हम इक्विटी में आए, इक्विटी करने के बाद जब हमने ऑप्शन सीखा तो हम ऑप्शन में जाने लगे, क्योंकि
फिर ऑप्शन के बाद कमोडिटी आई तो हम कमोडिटी में ट्रेड करने लगे, फिर करेंसी में, जो जो सिखाते गए हम ऐसे ट्रेड करते गए, मगर प्रॉफिट उस मुताबिक नहीं बन पा रहा था। बस ये था कि हाँ ठीक है कि प्रॉफिट में है कहने के लिए बस। फिर उन्होंने कहा कि यार देखो अगर तुम श्योर शॉट आना चाहते हो तो तुम्हें बेयर कार्टेल ज्वाइन करना होगा, तो ही बात बनेगी, बुल से तो कुछ नहीं होगा। तो मैंने कहा मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं पोजीशन शॉर्ट कर सकूं या फिर बटरफ्लाई या फिर कुछ और बना सकूं ऑप्शंस में, तो नेकेड पोजीशन बनाना तो बेवकूफ़ी है, बुक ये कहती है, कह रहा देखो यार बुक से किसी ने पैसे नहीं कमाए, बुक लिखने वाला बुक बेच के पैसे कमा रहा है और कैसे नहीं कमा रहा। तो मैंने कहा कि यार ये तो मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो फिर मैंने ना अपने प्रोफेसर से बात की यूनिवर्सिटी में कि सर मैंने MBA ज्वाइन कर लिया था सिम्बायोसिस पुणे से ऐसे, तो मैंने उनसे बात की, तो एक थे तो मैंने उनसे पूछा कि सर मैं इसमें जाना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि यार देखो इंडस्ट्री बहुत वास्ट है, तुम्हें पहले समझना होगा कि इंडस्ट्री काम कैसे करती है, एक्चुअल मार्केट काम कैसे करती है, बुक में लिखा कुछ है, एक्चुअल रोड कुछ और है, आपको दिख तो रहा है क्लीन है और उसमें बहुत सारे लूप होल्स हैं, तो ध्यान से काम करना और समझदारी से काम करना। तो मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने कुछ इन्वेस्टमेंट अपने फादर से ली और कुछ जो मेरे पास सेविंग्स थी मैंने उसे लगाया और मैंने फिर शॉर्ट सारी पोजीशन शॉर्ट करना शुरू कर दिया। मैं बाय करता ही नहीं था, मैंने मार्केट खुली थोड़े टाइम का वेट किया, एक परफेक्ट टाइम बना लिया था हमने कि पूरा स्टडी करके कि इस टाइम पे मार्केट थोड़ा बेरेज जाएगी, हम फिर उस टाइम शॉर्ट करने लगे और हमने बहुत अच्छा पैसा बनाया। मतलब लगता नहीं था कि मतलब इतनी कम एज में मतलब खुले पैसे उड़ाए। मुझे ये जानना है, पर मैं पूछूंगा नहीं कि कितने बनाए, बट मेरे को ये ज़रूर जानना है कि आपने घर वालों की हेल्प से या खुद से भी कितने पैसे से शुरू किया शॉर्टिंग भी। सर मैंने 5 लाख फादर से लिए थे, ये बोल के कि मैंने अपने फादर से बोला था कि मैं अपने फ्रेंड के साथ एक बिज़नेस कर रहा हूँ। उन्होंने बोला कि बिज़नेस किस चीज़ का है, तो मैंने कहा फैब्रिकेशन इंडस्ट्री है और मैं फैब्रिकेशन इंडस्ट्री में जाना चाहता हूँ और मेरे फादर बाहर रहते हैं, और तो मैंने बोला कि मैं ये करूँगा। तो मैंने धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट ली, एक साथ नहीं ली, पहले 50,000 फिर 1 लाख फिर धीरे धीरे, क्योंकि चक्कर क्या सर पैसे का नशा उस तरीके से होता है ना, एक तो एज कम, तो पैसे का नशा इस तरीके से होता है कि आदमी कह रहा है कि यार अगर मेरे पास 1,000 होते क्वांटिटी तो और प्रॉफिट होता, 2,000 5,000 10,000 होते तो शायद मैं इतना वेट ही नहीं करता, 10 रुपये क्यों गिरने देता, मैं 4 रुपये लेकर 40-50 हज़ार रुपये एक कॉल में मैं निकल आता। तो सर क्वांटिटी बढ़ती चली गई और वो फिर क्या हुआ, वो जो साथ में थे अंकित जी नाम है उनका, और वो फिर उन्होंने करेंसी में स्विच कर लिया, वो करेंसी में काम करने लगे और उन्होंने क्वांटिटी बढ़ा दी, वो करेंसी में 100-100 लॉट एक साथ ही करते थे और एक दिन में बहुत अच्छा प्रॉफिट बनता था। उन्होंने USD में बाय काम किया, मतलब वो मतलब मेरे लिए क्या नाम है, एक रोड मैप की तरह काम करते थे कि वो पहले पोजीशन बनाते थे कि यार मुझे इसमें आप सही लग रहा है, हम लोग मिलके बैठ के बात करते थे कि यार इंस्टीट्यूट में चल के आ रहा है, हम कुछ और कर रहे हैं, सर पढ़ा रहे हैं, हम वो अपनी पोजीशन बना के अपना काम कर रहे हैं नीचे आईपैड पे, हम उसमें अपनी पोजीशन बना रहे हैं। उन्होंने कई बार मुझे रोकने की कोशिश की कि देखो इतना तेज़ आने की ज़रूरत नहीं है, इंडस्ट्री बहुत बड़ी है और तुम्हारी एज बहुत कम है, तो इतना इसके ट्रैप में आने की ज़रूरत नहीं है, ये एक बार अगर किसी को पैसा देती है तो बराबर जानती है किसको दिया है, कब आके टाइम पे निकालना है, तो समझ जाओ। तब उस टाइम समझ में नहीं आया, तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं सर देख लेंगे, इसको स्टॉप लॉस लगाना सिखाइए, स्टॉप लॉस लगा के काम करते हैं। और मगर वो हम बोलते थे, हम लगाते नहीं थे, हम कहते थे कि दिमाग में लगा लिया स्टॉप लॉस, हम वहाँ लगाते नहीं थे और कभी ऐसी ट्रेड फंसी नहीं कि मतलब स्टॉप लॉस लगाने की ज़रूरत हो, क्योंकि शॉर्ट करके चल रहे थे बहुत। फिर उसके बाद एक सबसे बड़ा लॉस हुआ जब बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट हमने डाली, एक उसमें पोजीशन बनाई हमने और वो गलती थी, तो वो किसी ने इनसाइड टिप दी थी कि शॉर्ट कर दो ये होगा, तो वो टिप किसी और से आई थी, तो हमें कन्फर्मेशन नहीं था कि हम करेंगे नहीं ये काम, पर इंडिकेटर्स कह रहे थे, फंडामेंटल्स कह रहे, सब चीज़ में बिल्कुल वो एग्जैक्ट परफेक्ट बैठ रही थी, न्यूज़ में भी आ रहा था, तो हमने उसे शॉर्ट कर दिया और उसमें लग गया अपर सर्किट। उसी कैटेगरी स्टॉक की ख़राब थी और गलती ये हुई कि अपने ऊपर ओवर कॉन्फिडेंस वहाँ हिट किया, उस दिन लाइफ में ऐसी गलती हुई कि ओवर कॉन्फिडेंस हिट कर गया, हमने जिस रेट से शॉर्ट किया था उसके बाद भी हमें प्रॉफिट था, तो फिर हमने पोजीशन काट सकते थे, हमने रेट लगा के गलती करी, हमने वहाँ पे बुक की थ्योरी अपनाई और हमें वहाँ निकलना चाहिए था। उस पर 15 मिनट बाद दोबारा सर्किट लगा और वो बंद हो गया स्टॉक। ऐसा अमाउंट था कि सर मैं आपको बताऊं कि अगर मैं चाहूं तो वो रोहिणी में फ्लैट ले सकता था उस लॉस से,
अगर वो प्रॉफिट में होता तो। किस टाइम की बात है ये, किस साल की बात है ये? 20 से पहले, 20 के अराउंड के टाइम है। यार यू आर मच यंगर। सब लोग सब बेयरिश हो रखे थे 2020 में, तो हम तो पहले से बेयर में काम कर रहे थे, तो फिर हमें कॉन्फिडेंस था कि मार्केट इतना जल्दी वो स्टॉक रिवर्स नहीं करेगा और फंडामेंटल्स भी बिल्कुल ठीक जा रहे हैं, बुक की थ्योरी, न्यूज़, सब चीज़ बिल्कुल एक्यूरेट है। हमने सोचा कि ठीक है कोई बात नहीं, हम कल निकल जाएंगे। हमने बुक्स खोली दोबारा से कि यार इसमें तो सर्किट लग गया, अब किसी से बता नहीं सकते, कोई बात नहीं कल देख लेंगे। कल वो खुला अगले सर्किट पे। मैंने अपने ब्रोकर को फ़ोन किया और मैंने उनसे पूछा कि अब इसमें क्या करना है, तो उन्होंने बोला कि देखो जनरली 2 दिन सर्किट लगता है, तीसरे दिन ठीक हो जाएगा, आपका सौदा आपको मिल जाएगा। बुक में भी लिखा, यूट्यूब की वीडियो, मतलब जहाँ तक हम ढूंढ सकते थे वो सब ढूंढ लिया। जितने ट्रेडर्स हमारे नॉलेज में थे, जितने इन्वेस्टर नॉलेज में थे, ब्रोकर थे, सबसे बात कर ली। पर सब ने कहा कि डरने वाली कोई बात नहीं है, ज़्यादा लॉस नहीं होगा। हमने कहा ठीक है कोई बात नहीं। पर उस दिन वो हुआ जो किताबों में कहीं नहीं लिखा, सिर्फ एक जगह NSE की थ्योरी में लिखा हुआ है कि सेटलमेंट पीरियड 5 डेज का होगा, और 3 दिन लगातार सर्किट लगे, हमें सौदा मिला 5 दिन के बाद। हमारे रेट से 70 रुपये ऊपर बाय करके मिला हमें, और उसमें इतना बड़ा लॉस था कि अकाउंट ज़ीरो हो गया, अपनी जेब से पैसा देना पड़ा ब्रोकर को, और सारे अकाउंट बंद हो गए, ज़ीरो हो गया सारा अमाउंट। और उसमें सबसे बड़ी गलती ये हुई कि अपने साथ एक दोस्त और था, उसने कहा था कि यार मेरा भी लगा देना, तो हमने कहा कि नहीं नहीं हम नहीं लगाएंगे, पर उसकी क्वांटिटी कम रखी थी कि यार हम लगाएंगे नहीं, यार तू अपने आप देख ले, हम बता देंगे। बट दोस्ती के नाम पे हमने ट्रेड बना दी, उसकी एक पोजीशन बना दी, उसका अकाउंट भी ज़ीरो हो गया। अपना लॉस था पर उसके भी लॉस थे कि उसको भी पे करना था। उस दिन ऐसा लगा कि यार आज तो बहुत बड़ी गलती हो गई और मैं पैसे मांग नहीं सकता, अब तो गया। तो फिर मैंने सोचा कि अब मैं क्या करूं, तो फिर मैंने इंटर्नशिप ज्वाइन की कि मैं लॉस इतना हो गया कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता, अब मुझे पे ऑफ तो करना पड़ेगा, तो मैंने इंटर्नशिप ज्वाइन की। व्हेन यू टुक मनी फ्रॉम योर फादर जी, फाइल जी 5 लाख रुपए, ये कह के कि बिजनेस पे लगाना है जी। वो दूसरी चीज, जब रोहिणी के 2-3 BHK का एक फ्लैट का नुकसान हुआ, और फिर तीसरी चीज़ जब दोस्त के पैसे का नुकसान हुआ, ये जो इमोशंस हैं, पहला जो पापा का पैसा बिजनेस में कह के ट्रेडिंग में लगाना, और ऑनेस्टली तब समझ नहीं थी मार्केट की जी, है ना, ज़्यादा नहीं थी, शॉर्टिंग का किसी ने बताया और चलाया तो चल पड़ा, तो इसी तरह से चल रही थी गेम जी। और दूसरी चीज़ ये वाली भी, तो वो कॉन्फिडेंस या टेंशन या डर या वो इमोशन क्या था, व्हाट वर यू थिंकिंग अगर मैं सीधा पूछूं तो? जैसे ना जिस दिन वो हुआ उसके कुछ दिन बाद मैं अपना घर छोड़ के लखनऊ चला गया, सिर्फ ये बोल के कि मैं इंटर्नशिप करने जा रहा हूँ। और मैंने किसी को, क्योंकि मैं फेस ही नहीं कर पा रहा था, मैं डेस्क नहीं छोड़ पा रहा था, अपना ट्रेडिंग डेस्क नहीं छोड़ पा रहा था कि ये गलती हो गई। मुझे अंदर से रियलाइज था कि ये मैंने गलती कर दी। जब पापा के 5 लाख लगा के जब प्रॉफिट आ रहा था, तब तो एक यूफोरिया फीलिंग होगी ना कि भैया मैंने पता है हमें, यू नो, ये ले इतना एंजॉय पैसे के, जैसे ना कि पैसे में बहुत खेले हम। मैं 7वें आसमान में था, मुझे लगता था कि मार्केट में मतलब मुझसे बड़ा कोई है ही नहीं, मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ क्योंकि मैंने अर्शद बहता हूँ मैं जी, नहीं सर उसके जितना तो नहीं, मतलब मुझे ये लगता था कि मतलब ना कि बाय करके चलना बेवकूफ़ी है, कि जब मैं शॉर्ट से पैसा कमा सकता हूँ तो मैं बाय करके पोजीशन होल्ड की करूँ, मैं पोजीशन होल्ड की करूँ, मैं इंट्राडे में पोजीशन बनाता हूँ, सुबह बनाई शाम तक काट ली, अगर दिन का 1.5-2 लाख का प्रॉफिट हो रहा है 20-22 साल में, जहाँ MBA करने के बाद भी इतनी सैलरी नहीं मिलेगी, मैं दिन का इतना बना रहा हूँ, तो मुझे डरने वाली क्या बात है? आपको लगा कि मेरे पास मार्केट का एक मंत्र आ गया है जी, उसका इस्तेमाल करके बस मैं प्रॉफिट ही कमाऊँगा, नुकसान तो होएगा ही नहीं? जी सर, मुझे ये लगा ना कि यार दुनिया फ्रंट डोर से एंट्री ले रही है, वहाँ धक्के लग रहे हैं बहुत, लाइन में लग लग के लोग स्टॉक बाय कर रहे हैं, ठीक है, मुझे किसी के जरिए एक बैकडोर मिल गया है और मैं बढ़िया आराम से जाके मूवी भी देख सकता हूँ, मुझे कोई ज़रूरत नहीं लाइन में लगने की। मुझे ऐसा लगा कि यार इतनी कम एज में और बहुत बढ़िया चीज़ मिल गई, अब मैं तो समझ गया, अब मुझे सिर्फ और सिर्फ काम करना है, अपने इंडिकेटर्स को परफेक्ट करना है, न्यूज़ की कहाँ से टेक्निकल परफेक्ट हो जाए कि लॉसेस का चांसेस कम हो जाए। पर उसमें सर सबसे बड़ी गलती ये होती है जो मैंने अभी भी देखी है और अभी भी लोग करते हैं कि लोग स्टॉप लॉस नहीं मानते, कभी नहीं मानते,
मैंने 90% लोगों को देखा है कि वो स्टॉप लॉस लगाते ही नहीं है, वो ये कहते हैं दिमाग में लगा रखा है जब आएगा हम काट लेंगे, और कभी नहीं कटता वो कहते हैं एवरेज बन जाएगी, 3 रुपये 4 रुपये तो नीचे है कोई बात नहीं, अभी अभी कर लेंगे, और फिर वो एक झटके से डिप आती है, फिर आप संभाल नहीं पाते, पैसा होता है तो आप एवरेज बनाते हो वरना बनती ही नहीं हो। करेक्ट। तो मुझे भी ये लगता था कि और सर, और जो मैंने स्टॉक शॉर्ट किए वो 1000 रुपये 2000 रुपये 1200 1500 मतलब 500 से नीचे के कोई स्टॉक शॉर्ट नहीं किए, तो कभी वो रेट तोड़ते ही नहीं थे हमारा। तो आप ये कहिए कि मगर मैं 10 ट्रेड लगाए, 10 के 10 प्रॉफिट 10 के 10 10 के 10, तो कभी भी ऐसा लॉस हुआ ही नहीं, जो टेक्निकल परफेक्ट हो गया था बाई करते करते, इंडिकेटर्स और भी सब यूज़ करते करते, न्यूज़ तो टेक्निकल परफेक्ट हो गया था, पर उस दिन टिप पे काम करना बहुत भारी पड़ा, और उसकी वजह से वो उस दोस्त का अकाउंट खाली हुआ, मेरा अकाउंट खाली हुआ, उस दोस्त को पैसे अपनी जेब से देने थे, फादर के 5 लाख मांगे थे, उन्होंने पूछ लिया कि चल क्या रहा है। अब फिर एक दोस्त था कॉलेज में, उसको बोला कि भाई एक फेक फर्म खड़ी करनी पड़ेगी, ठीक है, मुझे घर में एंट्री दिखानी है कि मैं करता क्या हूँ। ओ गॉड। तब मुझसे पूछते हैं तुम पूरा दिन डेस्कटॉप पे बैठे रहते हो, करते क्या हो? तो वो फिर मैंने फिर एक क्या नाम है प्रिंटिंग प्रेस से बात की, पैम्पलेट्स कार्ड सब वो कराए, उसके पैसे भी उधार पे, कि यार तू कर दे मेरा काम मैं करा दूंगा उसने। और देखो मैंने उसे अपना बताया कि मेरे को इतना बड़ा लॉस लग गया, उसके बाद वो मुझे कहता कि मैं हेल्प तभी करूँगा जब तू मेरे पैसे इन्वेस्ट करेगा। मैंने कहा यार मैं इतना बड़ा लॉस खाया, अभी तू अपने पैसे दे रहा है? वो तो जाट था, ठीक है, तो वो थोड़ा दूसरे दिमाग के है, तो मतलब उसने कहा कि यार देख लॉस तो ज़िंदगी भर चलता रहेगा, लॉस एंड प्रॉफिट चलता रहता है, हमें भरोसा है तेरे पे, यार देख 10 सौदे में से एक बार गलत हुआ ना, बार बार नहीं होगा, ठीक है, तू मैं तेरी हेल्प तभी करूँगा जब तू मेरे को वादा करेगा कि तू मेरे पैसे इन्वेस्ट करेगा। तो मैंने कहा चल ठीक है यार, अभी तू मेरी हेल्प कर दे बस। मैंने सारी डिटेल डेस्क पे रख दी उनके, और मैं लखनऊ के लिए निकल गया। लेकिन यार ये सब कुछ हो रहा था, एंड यू आर मच यंगर, आई मीन अभी भी यंग हो, तो ये चीज़ें यार आई डोंट नो हाउ टू पुट इट, बिकॉज पैसा बहुत बड़ा पैसे की बात हो रही है यहाँ पे, है ना, छोटे बड़े पैसे की बात है नहीं, घर पे ऊपर विश्वास की बात हो रही है। तो वॉज देयर समबडी विद यू, कोई साथ में था आपके जो आपको सपोर्ट कर रहा था मॉरली या मेंटली या फाइनेंशियली किसी तरह से, या यू आर ऑल अलोन एंड टेकिंग अपने फैसले खुद ही ले रहे थे? नहीं सर, मैं अपने फैसले खुद ही ले रहा था, कि खुद की गलती थी तो खुद ही करना इससे सही था, कि अगर मैं बताता किसी को तो पहली बार सर अमाउंट इतना बड़ा था कि लोग उससे शॉक हो जाते, और सर जब एक मिडिल क्लास फैमिली से आदमी ट्रेडिंग करता है तो उनके लिए पहली दिक्कत वाली बात होती है कि यार ये एक तरह से जुआ है, हर कोई मुझे कहता है कि आपका लड़का तो जुआ खेलने लगा, ये कि किस तरीके का काम है, ये कोई काम नहीं होता, वो अच्छा खासा डिफेंस की जॉब में जाता, वो उसने सब कुछ छोड़ दिया, वो इसी के पीछे लग गया। तो उस टाइम भी फेस करना, फादर का बहुत सपोर्ट था कि उन्होंने मुझे कभी इंटरप्ट नहीं किया, उन्होंने कहा ठीक है यार तू जो कर रहा है तू अपना कर, कोई दिक्कत नहीं है, बस इतना रखियो कि लीगली सब होना चाहिए, कोई इलीगल वे में ट्रेड नहीं करनी किसी भी तरीके से, कुछ भी इशू होता है मुझे बताना। पर मैं उन्हें फेस करने के उसमें नहीं था, कि जो जो मुझे चांसेस मिले मैंने सबको ड्रॉप किया मार्केट के आगे, कि मुझे गवर्नमेंट जॉब नहीं करनी, मुझे और भी चीज़ें नहीं करनी, मुझे MBA नहीं करना, मुझे सिर्फ ये करना है। मेरे मौसा जी, मेरे को उनके बारे में पता नहीं था, तो उनसे मुलाकात हुई मुझे एक फंक्शन, फैमिली फंक्शन में, तो किसी बारे में बात कर रहे, वो स्टॉक के बारे में बात कर रहे थे, तो मैंने उनसे कुछ कहा कि ये स्टॉक ऐसा है वैसा है, तो उन्होंने कहा कि तुम्हें कैसे पता? तो मैं कह रही मैं थोड़ा बहुत करता हूँ, मैंने उन्हें नहीं बताया कि मैं क्या क्या है, तो उन्होंने मुझे बोला कि अगर इंटर्नशिप करने का मन हो तो बताना, कभी ज़रूरत हो तो। फिर मैंने अपने मौसा जी से बोला कि मुझे लखनऊ बुला लीजिए, मैं वहीं आके सीखना चाहता हूँ। तो उन्होंने मुझे बुलाया, अब वो एक फर्म में, मैं नाम नहीं लूँगा उसका, बहुत अच्छी पोजीशन पे हैं, उन्होंने मुझे बुलाया बैठाया, और फिर कुछ दिन हम बात करते रहे, तो पहली बार मैंने उनसे डिस्कस किया कि मुझे इतना बड़ा लॉस हुआ है, तो वो भी थोड़ा शॉक थे, पर फिर उन्होंने जो मार्केट में काम करता है उसे मालूम है कि आम बात है ये, कि लॉस तो हो ही सकता है, मान लो अगर प्रॉफिट होता तो भी लोग चौंकते ही कि इतना बड़ा प्रॉफिट लॉस में बदल गया तो क्या करें। तो उन्होंने मुझे कहा कि देखो धीरे धीरे चलना है, फिर उन्होंने मुझे डायरी मेंटेन करना सिखाया कि डायरी में काम करो, कैसे कैसे स्टॉक को लिखना है, कब बाय करना है, कब क्या करना, उनका जो 25-30 साल का एक्सपीरियंस था उन्होंने मेरे साथ शेयर किया। और फिर इंटर्नशिप के दौरान मेरी ऐसे ऐसे लोगों से मुलाकात हुई कि जो मार्केट के बहुत बड़े प्लेयर्स थे, अभी भी हैं और बहुत बड़े प्लेयर हैं, अगर वो बाय कर लेंगे कोई स्टॉक तो वो बहुत अच्छा जाएगा, अगर शॉर्ट कर दे तो बहुत अच्छा बहुत गिरेगा। तो मैंने उनके स्टॉक्स पे ट्रेडिंग करना सीखा दोबारा से, 6 महीने से ऊपर लखनऊ में रहा, और मैंने फिर वहाँ से मैंने दोबारा मोरल गेन किया, जो इंटर्नशिप से पैसे आए वो दोस्त के पैसे दिए, फिर मैं ट्रेडिंग मैंने चुपचाप दोबारा से स्टार्ट कर ली, और फिर मैंने दूसरे ब्रोकर से अकाउंट खोला चुपचाप से,
जो थोड़े पैसे थे मैं फिर उसमें डेली ट्रेड करता था। डेली मतलब अगर एक सौदा उनका लगा रहा हूँ तो एक एक फ़ोन से अपने भी लगा दिए, और मैं अपने दोस्त को डेली जो 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 प्रॉफिट बुक होता था मैं डेली अपने दोस्त को पैसा भेजता था उसका कि डेली ले ले भाई कितने आ गए ये, आज इतने आ गए, आज तो इतना ले ले, आज तो इतना ले ले कि एटलीस्ट अपना बेयर ना हो, तेरा तो निकल जाए। ठीक, उसका दे दिया। इस तरह धीरे धीरे निकला। फिर उन्होंने मुझे कहा कि आप जॉब कर लो, तो मैंने कहा कि मैं जॉब तो देखता हूँ। फिर मैंने जॉब करने की सोची, पर फिर जॉब में मुझे कई सारी चीज़ें फेस करनी पड़ी कि जो कॉर्पोरेट कल्चर होता है वो यंग पीपल के लिए मैंने देखा है कि वो ना बहुत डोमिनेट करता है उन्हें। तो फिर मैंने वो जॉब भी क्विट कर दी कि मैंने कहा मैं जीस में भी जॉब नहीं कर पाऊँगा, मेरे से नहीं हो रही। फिर मैंने कहा कि इस तरह से कोई काम बनेगा नहीं। फिर मैंने थोड़े पैसे और दोबारा ट्रेड की, फादर से बोला कि थोड़े पैसे चाहिए और थोड़े पैसे चाहिए। तब मैंने उनसे पहली बार सच बोला कि मुझे स्टॉक मार्केट की फर्म स्टार्ट करनी है, सब ब्रोकिंग करनी है मुझे, और मुझे पैसे चाहिए, और मुझे गवर्नमेंट जॉब वगैरह कुछ नहीं करनी, मुझे स्टॉक मार्केट प्रॉपरली प्रॉपर तरीके से काम करना है। तो उन्होंने मुझसे पहली बार पूछा कि इसमें तुम कितना बना लेते हो, कैसे काम करोगे आगे। तो मैंने कहा नहीं, मैं कमा लूँगा जॉब और मैं आपको बता दूँगा कैसे कैसे आएगा। तो उन्होंने तब भी ज़्यादा मेरे से पूछा नहीं, कहा चलो ठीक है मैं दे देता हूँ। मैंने सब ट्राई कर लिया, मैंने जॉब करके देख ली, इंटर्नशिप करके देख ली, ट्रेडिंग करके देख ली, और मैं जॉब मैं स्टार्ट सब रोइंग स्टार्ट नहीं करना चाहता था। मैं मेरे जब इंटर्नशिप में कर रहा था तो मेरी किसी से मुलाकात हुई थी, तो वो भी एक मार्केट बहुत अच्छे प्लेयर हैं, तो उन्होंने कहा था कि वो फर्म स्टार्ट करना चाहते हैं और मुझे उसमें जॉब दे रहे थे कि टेक्निकल वगैरह जो भी ट्रेडिंग करनी है आप करेंगे, बस कुछ दिन वेट कर लीजिए। तो मैंने कहा ठीक है। अब उनके कुछ दिन करते हुए तो बहुत टाइम निकल गया। अब मैंने कहा यार अच्छा इस वेट में तो मेरा तो कुछ होगा ही नहीं। उन्होंने ऑफिस ले लिया, सब कुछ ले लिया। और उसके बाद क्या हुआ, तब एल्गो नया नया आया था, अभी भी लोग कम ही यूज़ करते हैं एल्गो। वो एल्गो की सॉफ्टवेयर बाहर से बनवा के लेके आए, इतना अच्छा खासा पैसा उन्होंने लगाया। और उस टाइम पे बैंक निफ्टी में वो ट्रेड करते थे, और बैंक निफ्टी एक बार किसी न्यूज़ की वजह से मेरे को याद नहीं आ रही क्रैश हुई थी, जिसमें काफ़ी उनको लॉस हो गया था, जिस वजह से उनकी फर्म स्टार्ट नहीं हो पाई। एल्गो लगा के ट्रेड करते, पर फिर भी उस सौदे उनके उड़ गए, और बहुत मोटा लॉस हो गया उनको उस पोजिशन में। तो okay. वो काम रुक गया। अंकित जी जिनके साथ हम काम करते थे, मैंने उनसे बात की कि यार अब कैसे करना है, ट्रेडिंग से तो बन रहा है मगर अब वो मैं रिस्क नहीं ले सकता भाई, मेरे हाथ कांप रहे हैं, मैं नहीं कर पाऊँगा। मेरे को ट्रेड लेने में डर लगता था कि यार मैं दूसरों को एडवाइस कर रहा हूँ कि आप ये बाय कर लो, आप ये कर लो, पर मैं अपनी पोजिशन नहीं बना रहा हूँ। सबके पैसे वापस कर दिए, सब कर दिया, पर मैं पोजिशन नहीं बना पा रहा। तो उन्होंने कहा कि यार नहीं तू मेरे साथ आ, मैं तेरे को बताता हूँ दोबारा से करेंगे। और वो फिर दोबारा शॉर्ट कर रहे पोजीशन। तब पहली बार थोड़ी हमारी बहस हुई कि यार देख बहुत हो गया इस तरीके से, मुझे काम बिल्कुल नहीं करना है। मैंने प्रॉफिट बनाया, लॉस किया, कर्जे में गया, सब कुछ किया मैंने, और मैं इंटर्नशिप की जॉब की, और मैंने सब देख लिया। अब मुझे मालूम है कि अब मार्केट में एक्चुअल काम कैसे करना है। सीख कब रहे थे ये? हाँ मतलब वो क्वेश्चन मेरा भी है कि आप सीख कैसे रहे थे खुद को मार्केट में टेक्निकल। मैं जो इंटर्नशिप कर रहा था जिन ट्रेडर्स के साथ, मैं उनके एक्सपीरियंस को देख रहा था, वो काम कर कैसे रहे हैं। कि जब अगर आप डीलिंग डेस्क देखा होगा आपने, अगर किसी भी ऑफिस में जाएंगे तो उनके पास तो कोई चार्ट नहीं लगा हुआ, वो अपने सेंस उसके कॉन्शियस के हिसाब से बाय कर रहे हैं कि 3 रुपये डिफरेंस आया, इतना आया, उस हिसाब से वो बाय सेल कर रहे हैं। तो जब मैं उन लोगों के साथ रहा लखनऊ में इतना टाइम, तो जो उनका 20-30 साल का तजुर्बा था, उन्होंने मेरे साथ शेयर किया कि यार देखो मार्केट जब ऐसे मूवमेंट लेती है तो इस तरीके से काम होता है। मैंने उनसे पूछा आप काम कैसे करते हैं, मेरे इंडिकेटर तो कह रहे हैं ये सेल होगा, आप बाई कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि देख हम भी ये देख रहे हैं, पर हमारी नज़र है कि कितने डिफरेंस में रेट कंटिन्यूसली चेंज हो रहे हैं, और जब तक मार्केट ट्रेंड चेंज करती है उससे पहले हम अपनी पोजिशन बुक करके निकल लेते हैं, प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। उनकी स्पीड, काम करने का तरीका, और फिर उन सब के एक्सपीरियंस को देख के मुझे लगा कि यार बॉस बुक में गलत लिखा है, ये बुक सबको बस वही है जो उस दोस्त ने कहा था कि बुक बेच के पैसा बनाया उसने और कुछ नहीं बनाया, एक्चुअल में ये कहानी कुछ और है। वहाँ पे एक चीज़ सीखी कि वो एक ट्रेडर थे बहुत सीनियर, वो होंगे अबाउट 75 और 80, और किसी PSU में बहुत अच्छी पोजीशन से रिटायर्ड थे वो। तो वो मेरे से मिले, तो मैं ऑफिस में बहुत यंग था, उन्होंने मुझसे पहली बार कहा okay. कि देख यार कि ना, और वो यूपी वाली भाषा में कहा देख कि बाबू देखो कि ना बाज़ार में बहुत लोग आते हैं, ठीक है अगर तुम्हें बने रहना है ना तुम्हें बाज़ार से दोस्ती करनी पड़ेगी तो बात बनेगी। अगर लड़के पैसा निकालने के मूड में हो तो एक दिन ऐसा धोएगी
कि बाहर से बाजार से बाहर ही कर देगी। तुम्हें बाजार से दोस्ती करनी पड़ेगी। तो मैंने कहा कि सर देखो, दोस्ती तो उससे करेंगे जो दिखता है, ये तो दिखता नहीं है, इससे कैसे होगा। तो उन्होंने कहा नहीं, इसके इसका स्वभाव समझो कि ये काम करती कैसे है। तो मैंने कहा अच्छा कैसे। तो फिर मैं उनके साथ कुछ देर बैठा, तो जो उनका तजुर्बा था, मार्केट देखने का तरीका था, वो बहुत डिफरेंस था। उन्होंने कहा कि अगर आपको डेली भी ट्रेडिंग करनी है ना, तो कोई स्टॉक को स्पेसिफाई कर लो कि बाजार में 1,000 5,000 स्टॉक्स हैं, बहुत सारे स्टॉक्स हैं, तो आप कुछ ऐसे स्टॉक छांट लो कि जो डेली मूवमेंट करते हैं, कुछ खास डेली न्यूज़ नहीं आती, 5 से 10 रुपए की मूवमेंट हमेशा रहते हैं, ना ज़्यादा न्यूज़ में रहते हैं, ना कोई दिक्कत आती है उसके अंदर, फंडामेंटल भी ठीक हैं। ठीक है, उन ट्रेडों को छांटो और बेस्ट पिक निकालो, अपने इंडिकेटर्स लगाओ, अपना फंडामेंटल चेक करो और बिल्कुल सटीक वे में इसको एनालाइज करो, और उसके बाद उसमें एंट्री बनाओ, हर दिन पैसा बनेगा। और वो लगभग लगभग 70 to 80 की एज में वो हर दिन का 30-40 हज़ार रुपये बनाते थे। तो फिर मैं उस तरीके से नहीं कर पाया, क्योंकि जिन स्टॉक से उन्हें प्रॉफिट आता था, उस स्टॉक से मुझे प्रॉफिट आता ही नहीं था। मैंने बोला कि, और सर मैंने फिर टाइमिंग मैंने टाइम बहुत, जी बिल्कुल सर, यही चीज़ मैं बोला, टाइमिंग। तो ना फिर मैंने ना उनके मॉनिटरिंग करी कि वो काम करते कैसे हैं। अब वो ट्रेड करते थे, तो मैंने बोला कि मेरे एक दिन आप मेरे सामने ट्रेड कीजिए, मैं तब देखूंगा। अब मेरी एज यंग थी, तो कोई मुझे बताने में वो नहीं करता था कि 20-22 साल का लड़का ओके है। तो उन्होंने कहा ठीक ठीक बाबू बैठो, हम दिखाएंगे आपको। वो ब्रांच में आके ट्रेड करते थे, वो इतने सीनियर थे कि ब्रांच में आके अपने सामने डीलर से सौदा लगवाते थे कि अब बाय कर लो, अब सेल कर लो। और उनका फेवरेट स्टॉक हुआ करता था इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस, वैसे टाइम पास के लिए इंडिया बुल हो गया। और ओके उनके पास ऐसे स्टॉक्स थे जो इंडिया बुल सिर्फ तभी करते थे कि जब प्रॉफिट बन चुका है, अब थोड़ा टाइम पास करना है कि थोड़ा पावर आ जाए। एक दिन उन्होंने मेरा ट्रेड किया, और मैंने ये देखा कि जब वो निकलते हैं, वो बहुत अलग ट्रेडिंग करते थे। हम इंडिकेटर लगाते थे टेक्निकल, वो ना हर दिन ना स्टॉक का रेट लिखते थे कि स्टॉक कितने पे ओपन हुआ है और कितने चला, क्या हाई लगाया उसने, क्या लो था उसका, और टाइम भी लिखते थे उसके आगे। वो बुक डायरी मेंटेन की हुई थी। मैंने कहा ये क्या तरीका, ये मैंने फर्स्ट टाइम देखा मार्केट में, इससे अच्छा पहले मैंने किस इस तरीके टाइम से, लिखते थे, किस टाइम पे हाई गया, किस टाइम पे लो गया है, ये भी लिखते थे। जी, ओपनिंग टाइमिंग, ओपनिंग का क्या था और लो कितने पे उसने, क्या ओपनिंग रेट क्या, टाइमिंग तो वही से मैं कि क्लोजिंग, उसके बाद क्लोजिंग रेट भी देखते कि रेट कितने पे सेटल हुआ है। फिर उसके बाद मैंने वहाँ एक चीज़ और सीखी जो गलत थी, कि लोग स्टॉक मार्केट में बेटिंग कैसे करते हैं इलीगली। तो मैं नया अच्छा नया था, तो जब ऑफिस में चाय वगैरह आती थी, तो एक चाय वाला आया मेरे पास, उसने बोला सर आपका क्या। मैं कहा सर मेरा क्या मतलब, वो उसके पास पेपर था। तो मैंने कहा सर ये क्या है। तो उसने सौदा बोला बताओ अपना। हाँ, तो मैंने कहा सर ये क्या है। तो वो चला गया मेरे पास से। फिर मैंने कई बार दिखाई चक्कर क्या है। तो फिर उसने मुझे बाद में, मैंने किसी से पूछा ये क्या है, तो उसने कहा सर ये बेटिंग है, पर ये ब्रोकर से नहीं होती कुछ, ये हमारी अपनी है। मैंने ये क्या है। तो उसने उन्होंने मुझे बताया कि जो मार्केट क्लोजिंग के रेट है ना लास्ट के, उस पर बैट होती है। कैसे? हैंसेंग पे लगा लेते हैं, निफ्टी पे लगा लेते हैं लास्ट के, हाँ अच्छा, ओके, लास्ट क्रॉस द के। वर्ल्ड। ठीक है सर। तो मैंने कहा क्या क्या चल रहा है, बात मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो वो लास्ट के रेट पे ना वो बेट लगाते हैं कि लास्ट का रेशियो आएगा क्या, कि 001 आएगा, 00 आएगा, या 10 आएगा। है, ओ माय गॉड। जैसे मार्केट उस टाइम चल रही थी 13,000 के आसपास, कि 13,000 है, तो उसके बाद के पॉइंट के बाद है कि 00 आएगा, कि 13,900.00 00 10 ऐसे चल रहा था। तो मैंने कहा यार ये क्या सिस्टम है। फिर मैंने कहा कि यार एक बार 10 ही रुपये तो हैं, लगाने में क्या जा रहा है। तो मैंने कहा चलो ठीक है यार, लगा लेते 10 रुपये, नहीं हुआ। मैंने कहा ठीक है, पर वो बहुत क्लोज था उसके रेट के, चांसेस क्या है 1 से 9 के बीच में कुछ आना है। फिर उसमें फिर जब मैं एक दो बार किया, तो मुझे पता चला कि अगर अगर आप दोनों पे लगाना चाहते हो कि डबल रेट है, कि 1 पॉइंट के बाद 2 जीरो आएंगे तो ज़्यादा पैसे मिलेंगे ये वो, तो मैंने कहा कि यार ये भी सही है, एक बार इसको करके देखते हैं। तो फिर मैंने वो भी किया, मतलब जो जो मतलब मार्केट में ओह लीगल इलीगल गॉड, मैंने सब वहाँ ट्राई किया। और मुझे जो लगता था ना, जो दिल्ली वाले या फिर बाकी बड़े शहर वाले लोग ये कहते हैं, मुंबई वाले कहते हैं कि छोटे शहरों में कुछ नहीं होता, जबकि छोटे शहर वाले प्रैक्टिकली बहुत इन्वॉल्व है मार्केट से, उन्हें मालूम है कि काम कैसे हो रहा है, कैसे काम करना है। जबकि दिल्ली वाले तो सब टेक्निकल इंडिकेटर लेके बैठे हुए हैं कि जी मैं ये लगाता हूँ, मैं ये यूज़ करता हूँ, फिबोनाची यूज़ कर लो, ये कर लो, पर ऐसा एक्चुअल में होना कुछ नहीं है। एक दो बार प्रॉफिट बनाए, लॉस में ही गया, मतलब कुछ खास उससे बना नहीं। तो पर फिर अब दिल्ली आ गए, तो दिल्ली में कुछ खास ऐसा कोई दिखा नहीं कि ऐसा भी कुछ होता है। जब मैंने दिल्ली में दोस्तों से बात करी,
तो कह रहे हमें तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं, ये भी कोई चीज़ होती है। किसी को भी नहीं पता। अच्छा, ये ऑफिस लेवल पे हो रहा था या चलता है ये सब? नहीं सर, ऑफिस लेवल में नहीं हो रहा था ये, बस जैसे मान लो ना कि 20-30 लड़कों ने मिलकर चालू कर लिया। ये तो स्टार्टअप बिजनेस आइडिया हो गया यार, ऐप बनाते हैं हाँ एक तो तो सर तो उन्होंने मतलब 20-30 लड़कों ने, बेटिंग और ऐप। सबके सब बहुत बड़े लेवल पर होता था, बहुत बड़े लेवल पे। उनको सिर्फ एक चाय वाले को टिप देनी थी बस, कि भाई 100 रुपये रख और बंदे जोड़ ले कितने बंदे हैं, बस क्या बात एक है। का 10, एक का 10 वाला सिस्टम था, कि 10 लगाओ जीते 100 रुपये। और सभी बोलते थे यार देख हारा तो क्या ही हारा, गोल्ड फ्लैग हारेगा एक, ठीक है जीता तो भाई अच्छा बन जाएगा। तो मैंने कहा यार चल ठीक है। तो आपने वो मूवी देखी होगी बाजार, जिसे लोगों ने कहा कि बेकार है ऐसे ऐसे, पर एक्चुअल में वो उसी तरीके काम कर रही है। एक्चुअल में बिल्कुल एग्जैक्ट उसी तरीके से काम हो रहा है मार्केट में, कि ओनर को मालूम है कब निकलना है कब एंट्री लेनी है, और बाकी ट्रेडर तो बस इंडिकेटर और फंडामेंटल देख रहे हैं बस, और पीछे का गेम कहीं और से चल रहा है। उसके बाद में चस्का बहुत लग गया कि मुझे मार्केट छोड़नी ही नहीं, अब चाहे कुछ हो जाए, मैं जीरो होगा हाँ कुछ भी तो मैं मार्केट छोड़ूंगा नहीं। और फिर उसके बाद मैंने अपने दोस्त से बात करी दिल्ली आकर। जिसने शॉर्टिंग सिखाई थी, हाँ लेकिन उससे तो हो गया था ना कि मेरे को नहीं करना है जो आपका तरीका हाँ है। हाँ तो बट अब चक्कर क्या था सर कि ना, जब आदमी कहता है ना फटी के ढोल लिए हैं तो सिलने तो पड़ेंगे, वही वाली बात है कि अब मेरे जितना कोई पागल था नहीं मार्केट को लेकर। अब जो मेरे साथ के दोस्त थे, या तो वो कॉलेज कर रहे हैं या वो जॉब ढूंढ रहे हैं या इंटर्नशिप कहीं कर रहे हैं, इतना पैसा किसी के पास है नहीं। और मैंने उनसे बोला कि यार देख जॉब तो मैं कर नहीं पाऊंगा, और फिर मैंने अपने MBA कंप्लीट किया उसके बाद, कि फादर पूछने लगे MBA का क्या हुआ, MBA कंप्लीट किया कि MBA भी ओके कंप्लीट करना है। मतलब ये सब चीज़ पैरेलल ही चल रही थी, आप यकीन नहीं करेंगे कि मतलब बहुत अजीब लगता था कि लोग मिलने बुलाते हैं, मैं मिलने का टाइम नहीं होता था लोगों से, और लोग सोचते पैसे बहुत छाप रहा है, पर उन्हें पता नहीं कि क्या इमोशनल क्राइसिस चल रहे हैं। वो जर्नी अलग चल रही है, पढ़ाई, घर वालों की जो उम्मीदें हैं वो पूरी करनी है, ऊपर जी से दोस्त भी भगवान की हाँ दया से ऐसे हैं। ये जरूर है कि लखनऊ का टाइम, आई एम प्रिटी श्योर कि जिस हिसाब से बता रहे हो, जी दैट वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन योर लाइफ। माइंडसेट चेंज जी हो गया, किताबों से सीखा ही नहीं है, यूट्यूब से सीखा ही नहीं है, सीखा है प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से। करेक्ट। जी सर जी सर जो सीखा सर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस सीखा मैंने। और मैंने ये चीज़ महसूस करी कि लोग ना इस टाइम पे, जैसे मुझे कईयों ने कहा कि यार आप यूट्यूब वीडियोस बनाओ ये बनाओ, तो मैंने कहा जैसे आपकी वीडियो में देखता हूँ, आप बिल्कुल थियोरेटिकली पहले अपने लेवल पे कंफर्म करते हो कि जो चीज़ कह रहा है कंफर्मली सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है, करेक्ट। क्या चीज़ है। बाकी सारे क्या हैं सर, कंफर्म नहीं करते, वो सिर्फ कह देते हैं 3 रुपये का स्टॉक उठा लो करोड़पति बना देगा, ये उठा लो ऐसा बना देगा, लखपति बन जाए बना देगा ये स्टॉक। तो लोग उसी को देख अरे के, दिक्कत तो ये है विपिन के व्यूज भी उस पे आते वही हैं वही तो सर दिक्कत तो इसी बात की है। लोग मुझे कहते हैं कि यार आपने इतना, मैंने सर मैं बता रहा हूँ, मैंने जिस दिन से ये काम करना, मैंने शॉर्ट सेल करना बंद किया, मैं कि मैं शॉर्ट सेल करूँगा ही नहीं अब चाहे कुछ हो जाए, कई दिन तक मैंने यार। बंद किया। मैंने मैंने बहुत लोगों को बाय कराया, मैंने ITC ऐसे ऐसे रेट पर बाय करा रखे, लोगों को भी प्रॉफिट में ही चल रहे हैं, और बहुत सारे स्टॉक मैंने बाय कराए कि इसे बाय कर लो ये कर लो वो कर लो, सबके प्रॉफिट में। अब सब मुझसे पूछ रहे तुम्हारा क्या चल रहा है। अब मैंने कहा कि यार मैं उन्हें कैसे बताऊं कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं कि अपना पैसा लगा पाऊँ। मैंने अपना पैसा कहीं और शिफ्ट करना शुरू कर दिया, मैंने बॉन्ड्स ले लिए, मैंने RD कर दी, मैंने इधर कर दिया, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं करूँ क्या। फिर मैंने उसके बाद ना इन्वेस्टमेंट्स के और तरीके पढ़ना शुरू किए, मैंने PMS पढ़ना शुरू किया कि इसमें और तरीके से कैसे काम कर सकते हैं। फिर मैंने म्यूचुअल फंड के बारे में पढ़ा, पर मुझे म्यूचुअल फंड पे ना भरोसा नहीं हुआ कि उनके उनके पोर्टफोलियो में भी कुछ ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो बहुत रिस्क टेकिंग है, अगर वो पूरे डूब गए तो पूरा पोर्टफोलियो ख़राब कर देंगे। तो फिर मैंने कहा कि मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं करने वाला, अगर मुझे म्यूचुअल फंड में डालना तो मैं खुद ही मार्केट में डाल लूँगा, मेरे को इतना मालूम है। तो मैंने अलग अलग पोर्टफोलियोस और बहुत सारे इन्वेस्टर्स को देखा, बहुत सारे सबकी स्टडी की, लोग जितने लखनऊ वाले से मिले थे मैं सबसे बात करता था। अब मैं एज छोटी थी, कोई मुझे बताने में हिचकता नहीं था, या बड़ी एज होती लोग थोड़े कहते हैं क्या बेवकूफ़ वाले सवाल पूछ रहा है, मैं एक ही सवाल बार बार पूछता था कि सर सच में हो जाएगा, सच में ऐसा 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 हो जाएगा सही में। और मैं बोलता था कि सर ये बुक में लिखा ही नहीं है, मैं उनसे कह रहा हूँ कि सर ये बुक में लिखा ही नहीं, हो ही नहीं सकता, देखो बुक ऐसा कह रही है आप चैलेंज, ऐसा कह रहे हो, यू आर तो वो मुझे चैलेंजिंग देम, यू प्रैक्टिकली आर करके चैलेंजिंग दिखाते देम, थे। येड़ा बन के पेड़ा खा रहे थे। जी मैं उनसे बोलता था कि सर मुझे समझ नहीं आ रहा, वो मुझे कहते चलो ठीक है आप शाम को आना, शाम को बात करेंगे। हम घंटों घंटों बात करते थे, मतलब मैं रात 3-3 बजे घर आ रहा क्या हूँ वहाँ बात से, है। कि भाई कैसे काम हो रहा है क्या हो रहा है, फुल कॉर्पोरेट लाइफ एंजॉय और सब कुछ मैंने वहाँ सीखा लखनऊ से। और मैं अपनी लाइफ को ये बहुत मानता हूँ कि वो एक ऐसा टर्निंग पॉइंट था मेरी लाइफ का, कि अगर मैं वहाँ नहीं जाता करेक्ट। तो शायद या तो मैं कभी मजबूरी में जॉब कर रहा होता या फिर सब खत्म हो गया होता मेरा। अब उसके बाद सर क्या हुआ कि जब दिल्ली आए, या इंटर्नशिप खत्म हो चुकी है, लखनऊ में इतनी सैलरी नहीं मिल रही,
तो मैंने कहा देख कम सैलरी में बात बनेगी नहीं। अब चक्कर क्या सर, एक बार ना आदमी को आदत हो जाती है ना खर्चे करने की, तो हाथ रुकता नहीं है। मेरी मुलाकात हुई उसके बाद एक बंदे से उन्हीं ग्रुप में जो अलग अलग तरीके से काम करते हैं, जिन्होंने मुझे बताया कि अभी भी मार्केट में डब्बा ट्रेडिंग होती है बॉक्स वाली, और उन्होंने मुझे बताया कि इस तरीके से काम होता है। ठीक है, तो मैंने कहा यार मैंने बुक में तो पढ़ा था, बुक में डब्बा ट्रेडिंग के बारे में लिखा हुआ है, यार ये होता कैसे है। जी 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 सर, हाँ नेट में मिल जाएगा आपको, बहुत सारी बुक हैं। तो मैंने ना तो उनसे पूछा कि ये काम होता कैसे है, तो अब उन्हें भरोसा नहीं था कि यार 22 साल का लड़का कि यार कैसे काम करेगा ये वो, तो उन्होंने मुझे बताया कि थोड़ा थोड़ा ऐसे इस तरीके से होता है। तो मैं देखना चाहता हूँ, वो एक जगह ऑफिस ले गए। ऐसा लगा कि ना उस दिन मुझे पहली बार महसूस हुआ कि यार इससे दूर रहना है, वो दूसरी गलती थी मेरी लाइफ की। अगर आप उससे मिलते ना तो वो इतना चार्मिंग और इतना वो पर्सन था कि आप सोचते कि यार इससे बेहतर आदमी कोई नहीं है, इससे बेहतर कोई आदमी नहीं है। ठीक है, जैसे मेरे दोस्त अंकित जी थे, मुझे लगा कि यार ये उससे बड़े लेवल का प्लेयर है और ये बहुत बड़ा आदमी है और बहुत बेहतरीन तरीके से काम कर रहा है। जितना उसको मार्केट की नॉलेज है, इसे एग्जैक्ट मालूम है कब निकलना है, कब एंट्री लेनी है, किस स्टॉक से दूर रहना है, क्या करना है, इसे सब मालूम है। और मैंने कहा यार ये कर कैसे रहा है, मुझे ये सीखना है। ठीक है, अब मैंने फिर अपनी स्किल्स को दोबारा साइडलाइन किया, मैंने कहा इस पे देखते ही काम कर कैसे रहा है। तो मैंने कहा यार चलो दोबारा देखते हैं, ठीक है, सबके एक्सपीरियंस अपनी जगह, एक बार दोबारा देखते हैं। तो मैंने फिर उस मैंने बोला कि मुझे मिलना है, उन्होंने मुझे टाइम दिया और एक लोकेशन भेजी। और मैंने कहा यार ये लोकेशन मैंने देखी भी नहीं थी। और फिर मैंने अपने एक दोस्त को बोला यार तू चल साथ में, तो वो कह रहा यार मैं नहीं जाऊँगा, कहाँ जा रहा है इतनी रात में। मैं कह यार उन्होंने मिलने इतनी रात में बुलाया है, ठीक है। वो कह रहा हाँ पार्टियाँ वार्टियाँ चलती रहती हैं उनके यहाँ, तो चलते हैं। वो उनका फार्म हाउस था, इतने लोग थे वहाँ पे और अलग ही सीन था वहाँ का। और मुझे अंदर से फील हो रहा था कि यार इसमें नहीं जाना है क्योंकि ये मेरे कंट्रोल से बाहर हो जाएगी चीज़ें। तीसरा मैं बता रहा हूँ ना कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मतलब मैं जिससे बात कर रहा हूँ ना सब स्टॉक मार्केट की बात कर रहे हैं, कुछ और वो एक नेक्स्ट लेवल पे है। जैसे ना कि एक उन्हें उनके पास एक सबवे है कि हम ऊपर से जा रहे हैं, उनके पास एक सबवे है जो सेफली निकल जा रहा है, ठीक है। अब मैंने कहा यार ये क्या चीज़ है। अब चक्कर क्या है ना, बुरी चीज़ हमेशा अपने आपको अट्रैक्ट करती है, ग्लैमर। मैंने ऐसे ऐसे लोगों से मिला जो इंडस्ट्री के बड़े बड़े हैं, सेलिब्रिटीज़ वगैरह से, तो मुझे यकीन नहीं हुआ कि यार ये मैं मेरी मुलाकात इनसे भी हो सकती, जिन्होंने मैंने टीवी में देखा है उनसे मेरी मुलाकात हो रही है। और सबसे अजीब चीज़ ये थी मेरे साथ कि मैं कोई फ़ैन की तरह फ़ोटो लेने नहीं गया था, मैंने मेरी चेयर साथ में लगी थी उनके, मैं उनके साथ बैठा था। उसे बड़े बड़े लोग थे, काफ़ी बड़े बड़े लोग थे, पॉलिटिशियन से लेके सब थे, और साथ में चेयर लगी थी और सब इस तरीके से बात कर रहे थे कि जैसे मैं कोई मेगा सेलिब्रिटी। उन्होंने मुझसे इस तरीके से इंट्रोड्यूस किया कि मेरा जो मोराल था बहुत बूस्ट हो गया, जो मेरा डर लग रहा था मुझे वो बहुत बूस्ट हो गया कि इतने लोग बात कर रहे हैं। फिर मुझे देर नहीं लगी, 10 मिनट के अंदर मैंने वो पूरा माहौल ग्रैब कर लिया कि किस तरीके से क्या हो रहा है। मैं मेरा दोस्त कह रहा कि हमें लगा ही नहीं कि वो पार्टी उनकी थी कि तेरी थी, ओके, कि तू इस तरीके से बातें होने लगी बहुत बड़े बड़े तरीके से। फिर उनके ज़रिए मैं बहुत लोगों से मिला, बट मैंने फिर ये अपने कहा था कि मैं उसमें काम नहीं करूँगा। मैंने देखा किस तरीके से काम होता है, पर लकीली मैं उससे निकल गया, दोस्त मेरे अभी भी हैं, पर मैंने कहा मैं इसमें काम नहीं कर सकता, ये मेरे समझ से बाहर है। तो यार इतना कुछ, इतने टर्मोइल्स हो रहे हैं, कुछ भी कन्वेंशनल जो मार्केट में होता है ना वो नहीं हो रहा है। कुछ अलग जहाँ की बातें, और जो भी ग्रे एरियाज हैं स्टॉक मार्केट के, आप नॉर्मल सड़क पे चलने की बजाय उन गलियों पे जा के आ चुके हो, और बहुत यंग एज पे जा चुके हो, और प्रैक्टिकली हाथ भी जला चुके हो काफ़ी जगह पे जहाँ पे लोगों को पता ही नहीं होता कि ये जगह एग्जिस्ट करती है। बट आपने शुरुआत ही, खैर मोर लेस आपका वैसे ही था। बट यार अभी लखनऊ से आए, फिर ये सब हुआ, कन्वेंशनल स्टॉक मार्केट जो है आपका वो अभी पहुँचे, या उससे पहले और भी कुछ ऐसे इंस्टेंस हुए? सर उसके बाद कुछ खास मतलब इस तरीके से नहीं हुआ, मतलब ना फिर ना उसके बाद IPO का दौर शुरू हुआ बीच में, जब लगातार IPO आ रहे थे, एक के बढ़कर एक IPO, IRCTC, ये वो कोविड के बाद IPO इस तरीके से मार्केट को हिट कर रहे थे कि लग ही नहीं रहा जी, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ट्रेडिंग चल रही है, सब IPO में IPO एक के बाद IPO की भीड़ हो रही थी, करेक्ट। ठीक है, फिर उसके जी जी ठीक है, उसके बाद जिसको देखो वो यूट्यूब पे वीडियो बना रहा है, ये IPO ले लो, पैसे 3 गुना हो जाएंगे, 6 गुना, ये ले लो, वो ले लो, बहुत सारी चीज़ उनके फंडामेंटल खोल रहे हैं तो कुछ और ही निकल रहा है। नहीं खोलता, ठीक है, बहुत कम लोग फंडामेंटल्स खोलते हैं। तो फिर मैंने कहा क्या चल रहा है, तो फिर बिल्कुल, तो फिर ना तो मुझे पहली बार सुनने में आया कि कुछ ग्रे मार्केट टाइप का भी कुछ होता है। तो मैंने ना फिर दोबारा फोन किया अपने दोस्त को,
लखनऊ में कि यार मैंने ना इसके बारे में सुना है, पढ़ा है, ठीक है, बट मैंने ना आपके मुंह से सुना था कि कोई बंदा है आपके पास जो इस तरीके से काम करता है, तो मुझे ना उससे मिलना है। अब चक्कर क्या सर, यंग एज होती है ना, तो लोग मिलाने में वो नहीं करते। अब मुझे मालूम है किसको क्या चाहिए। मैं कहा ठीक है, आपका सामान मैं ले आऊँगा दिल्ली से आते हुए, ठीक है, आपको शिवाज चाहिए शिवाज मिल जाएगी आपको, ठीक है, मैं लेता हुआ आ रहा हूँ, मुझे मिलना है, ठीक है। क्या बात है। हम पहुँच गए उसके पास, तो फिर मैं उनसे मिला, तो मेरी उनसे बात हुई कि काम करता कैसे है वो, कि हमें दिखते हैं कि रेट चल क्या रहे, हम सेल करेंगे कैसे इसे, हम देख रहे हैं नेट पे कि इसका IPO आ रहा है, इसकी लिस्टिंग क्या नाम है, 15,000 है, 150 रुपये का रेट है, ग्रे मार्केट कह रहा है जी 350-400-700 जाएगा, ये कौन लगा रहा है रेट, कर कौन रहा है, ये हम सेल करना चाहे करते कैसे हैं। तो फिर उनसे मुलाकात हुई, तो उन्होंने मुझे बहुत सारी चीज़ें बताई, अब मैं मुझे बता नहीं सकता कि काम ये चेन प्रॉपर तरीके से काम कैसे करती है। फिर उन्होंने मुझे इसके बाद एक चीज़ और बताई जो थोड़ी अलग थी, वो कि अनलिस्टेड शेयर को भी कैसे ट्रेड करते हैं। ट्रेड करते हैं, पेपर पे ट्रेडिंग होती है वो अनलिस्टेड शेयरों की। ओके। और अनलिस्टेड शेयर हो गए और कई सारे जिनके IPO आने हैं, तो वो आप कैसे पहले ही ले सकते हैं, बहुत सारी चीज़। मैंने कहा यार ये भी कुछ नया है, तो मैंने कुछ दिन उनका नंबर रखा अपने पास, पर फिर ना मुझे लगा कि वो ना फोर्स करने लगे कि आप बंदे लाइए, आप ग्रे मार्केट के थ्रू उनको IPO दिलवाइए। अच्छा। मैं ना कमीशन के लिए काम नहीं करता, पहली बात, मुझे अगर आगे के बंदे भरोसा नहीं है तो मैं वो IPO नहीं दिला सकता, तो मैंने उन्हें मना कर दिया, जैसे थोड़ी दोस्ती उनकी भी ख़राब हुई कि तुमने मना कैसे कर दिया, उन्हें इतने बड़े आदमी हैं वो। मैं कह देखो यार मैंने मना किया है कि मैं काम नहीं कर सकता, अगर कोई मिलेगा तो बोल दूंगा, पर कोई मिला, लकीली कोई मिला भी नहीं मुझे इस तरीके का। लोगों ने पूछा ज़रूर कि काम करता कैसा है, पर मैंने किसी को रेफर नहीं किया कि आप ग्रे मार्केट से ले लो, मुझे बहुत लोग मिले। उन्होंने मुझे बोला कि यार तुम अपनी कंपनी स्टार्ट कर लो। और उस दिन ना उन्होंने पहली बार मेरा टेस्ट लिया, जिंदगी में मेरा पहली बार किसी ने स्टॉक मार्केट में टेस्ट लिया। उन्होंने एक ब्लैंक चार्ट खोल दिया कि ये बताओ इस स्टॉक में क्या होने वाला, ना नाम है कुछ है, सिर्फ एक चार्ट खुला हुआ है, कैंडल्स लगी हुई हैं, कोई टाइम फ्रेम नहीं मालूम है, कुछ नहीं मालूम क्या है, ठीक है। उन्होंने चार्ट खोल दिया कि अब इसमें क्या होने वाला है। मैंने कहा जी इसमें बाय होगा, ऐसे होगा, ये रेंज बाउंड रहने वाला है, ये मोमेंटम है, ऐसे करके ये डबल बॉटम, ये वो सारे पैटर्न मैंने उन्हें बताने शुरू किए। उसके बाद उन्होंने और भी पूछा, ऑप्शन चेन दिखाई, उन्होंने जो पूछ सकते थे मुझसे उन्होंने सारा पूछा। और उसके बाद उन्होंने कहा कि देख यार तेरा काम करना ना करना वो तेरे ऊपर है, पर मैं ये कहूँगा कि अगर तू फर्म स्टार्ट कर सकता तो फर्म स्टार्ट कर। ओके। और फर्म स्टार्ट करने के लिए तो मैंने कहा कि इतना पैसा नहीं है मेरे पास, पैसा चाहिए, क्लाइंट चाहिए, प्रॉपर्टियाँ हैं। फिर उन्होंने मुझे मेरी प्रॉपर्टियाँ गिनवा दी कि इतना पैसा है, प्रॉपर्टी सेल आउट कर दूँ। मैंने कहा नहीं नहीं, मैंने कहा मैं प्रॉपर्टी सेल नहीं कर सकता। तो फिर कुछ दिन मेरे बात में दिमाग में घूमती रही, मैंने अपने फादर से पूछा कि क्या हम इसे सेल कर सकते हैं, तो उन्होंने बोला कि इसका करना क्या है सेल करके, कोई दूसरी तुम्हें नज़र में आ रही है। मैं कहा नहीं, मैं बिज़नेस खोलना चाह रहा हूँ और बड़ा, मैं बिज़नेस करना और बड़ा करना चाहता हूँ। तब मैंने उनसे अपने मतलब क्लियर बताया कि मैं ये तरीके का, पर उन्होंने फिर उस टाइम कहा कि मैं थोड़े ही दे सकता हूँ, बाकी तुम अन कर लो। तो मैंने कहा कि अब प्रॉपर तरीके से भी खुलेगी नहीं वो, तो मैंने कहा कि प्रॉपर तरीके से नहीं खुल पाएगी। फिर सब ब्रोकिंग के थ्रू आना था, फिर हमने कई सारे सब ब्रोकर्स के पास ब्रोकिंग इंडस्ट्री में बात करी, और सब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अच्छा नहीं दे रहे थे। पहले लोग कह रहे कि एज कम है, जॉब ज्वाइन कर लो, हर कोई ये कह रहा कि आपकी एज नहीं है, आप जॉब ज्वाइन कर लो हमारे पास, PMS ले लो, एडवाइजरी ले लो, इक्विटी एडवाइज़र बन जाओ, प्राइवेट इक्विटी बैंकिंग, दिल्ली में बैंकिंग स्ट्रीट है उसमें भी जॉब मिल रही थी। मैं बहुत ऑफिसर धक्के खा लिए, सब जॉब ही दे रहे थे कि जॉब ले लो, सब ब्रोकिंग छोड़ दो या रिमाइजरशिप ले लो। तो मैंने कहा कि यार मैं करना कुछ चाहता हूँ, ये करके नहीं हो रहे। फिर सोर्स लगानी पड़ी कि दोबारा से वही बैकडोर जाना पड़ा कि मुझे मिल नहीं रही है, मेरी एज की वजह से मुझे कोई दे नहीं रहा। तो उन्होंने फिर मेरी हेल्प करी, उन्होंने कहा कि कुछ बड़े ब्रोकर्स हैं उनसे मीटिंग करते हैं। तो मैं पहली बार किसी मतलब वैसे मिला था कि कंट्री हेड लेवल के बंदे से मिलकर सामने सामने साइन कर रहा हूँ कि मुझे सब ब्रोकिंग चाहिए, ये है वो है करके। तो उन्होंने मेरे से बात की, उन्होंने बोला कि यार तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर है पर तुम पैसा बना नहीं पाओगे सब ब्रोकिंग से। अब सोचो मैं साइन कर रहा हूँ चेक पे और वो सामने से ये कह रहा है, तो मुझे थोड़ा डर लगा। हाँ उन्होंने सीधा ही कह दिया कि उन्होंने, पर वो बहुत सीनियर थे और जैसे कहते साइकोलॉजिस्ट टाइप की, उन्होंने माइंड रीड कर लिया कि बंदा है कैसा। उन्होंने कहा देखो तुम सच बोलने वालों में से हो, ब्रोकिंग इंडस्ट्री सच बोलने में नहीं चलती, जो सच्चाई है। कह रहे हम भी धंधा कर रहे हैं, हमें मालूम है अगर हमने क्लाइंट को कह दिया ना कि 50-50 है तो पैसे नहीं डालने वाला,
जब तक हम उसे ये नहीं कहेंगे ना सर श्योर श्योर है पक्का आएगा, मेरे कहने पे ले लो, मेरे भरोसे पे ले लो सर, बस करा आप ये बोलते नहीं हो, आप ये कह देते हो सर देखो मेरा रेट ये है, ये टारगेट है, ये स्टॉप लॉस है, 90% चांस है टारगेट हिट करेगा, 10% है कि लॉस हो सकता है, इस पे क्लाइंट कभी काम नहीं करेगा, और इतना समझाओगे तो काम वैसे ही नहीं करेगा वो। आप उससे कहो पैसे हमें दे हम काम करेंगे तेरे लिए। मैं कहा सर देखो मैं ये काम नहीं करता। करेक्ट। तो कह रहे भाई इंडस्ट्री बंद कर दे, ठीक है मुफ्त का एडवाइस ही चलानी, एनजीओ चलाना, एनजीओ खोल ले। तो उस दिन ना मुझे कुछ रिलाइज हुआ कि मैंने कहा देखो सबने, मैं 2-3 साल से मार्केट में काम कर रहा हूँ और सबने मेरे अंदर ये चीज़ नोटिस किया कि मैं सच बोल के काम करना चाह रहा हूँ, और जिस वजह से मैं धक्के खा रहा हूँ मार्केट में, मतलब गलतियाँ तो मैंने अपनी तरफ से की पर मैंने सच भी बोला है, मैं झूठ बोल के किसी से पैसा नहीं लेना चाह रहा कि मुझे किसी तरह पैसा मिल जाए और मैं पैसा बना लूँ, क्लाइंट को बेवकूफ बना लूँ, अपना प्रॉफिट ले लूँ, मैं इस तरीके से काम नहीं कर, दोस्त का लॉस हुआ, दोस्त का पैसा सबका वापस कर दिया। तो मुझे लगा कि यार थोड़ा ना कि समाज के लिए भी काम करना चाहिए, क्योंकि उस टाइम पॉलिटिक्स में जाके उठना बैठना हो रहा था। तो फिर मैंने कहा कि मैंने फिर अपने कॉन्टैक्ट से कहा कि मैं किसी एनजीओ में जाना चाहता हूँ। मैं एक एनजीओ में गया, बहुत बड़े लेवल का एनजीओ है, दिल्ली में ही है, नोएडा के पास है। तो मैं उनके पास गया, मैंने उनसे बोला कि सर मैं आप फाइनेंस में क्या पढ़ाते हो बच्चों को, कह रहे सर हम ये कराते हैं, मगर पूरी लिस्ट दे दो मुझे। अब उतना मेरा कॉन्फिडेंस इतना बिल्डअप हो गया था कि इतने सीनियर आदमी से मैं डायरेक्टली बैठ के बात कर रहा हूँ, सब मुझे देख रहे हैं कि 20-22 साल का लगा है, जहाँ सब चुप बैठ के बैठे हैं, ये पूछे सवाल पूछ रहा है। और मैंने उनसे कहा कि मुझे सारा लिस्ट दिखाओ पढ़ाते क्या हो। और मैंने उनको बोला सर ये तो मजाक है, फाइनेंस के नाम पे आप बच्चों को बता रहे हो कि अकाउंट कैसे खुलता है, सेविंग अकाउंट क्या है, अकाउंट उसे बंद कैसे करना है और क्या चीज़ है, तो ये कैसे होगा, ये तो बेवकूफ़ी है, ये सब टाइम पास है। आप मैंने फिर अपना फॉर्मेट उन्हें दिया कि आप इस तरह पढ़ाओ, उन्होंने देखा, उन्होंने कहा मैं तुम्हें 3 दिन बाद फ़ोन करूँगा। फिर उन्होंने जिस कॉन्टैक्ट के थ्रू मैं गया था उन्होंने उसे फ़ोन किया, उन्होंने कहा भाई ये इस तरह चलेगा नहीं, अगर ये मार्केट में चीज़ जाएगी, सबके अपने अपने व्यूज़ हैं, वो कह रहे हैं यार जो पढ़ा रहे हैं उनका धंधा बैठ जाएगा, इस तरीके से काम हो नहीं सकता, तो वो मुझे पास ऑन करते रहे। मैं कहा सर कब आ जाऊँ, सर पिच देने के लिए कब आ जाऊँ, मैं कब आ जाऊँ, क्योंकि सब ब्रोकिंग से तो बात बन नहीं रही थी, साइन तो मैंने कर दिया था। उन्होंने कहा कि अप्रूवल आने में टाइम लगेगा, तो अब मैं खाली बैठे क्या करूँ। तो मैंने कहा एनजीओ के घूम लेते हैं, ठीक है, अब 25-30 लोग सर सर करके बात कर रहे हैं, टाइम पास हो रहा है बढ़िया, 30-40 लोग घेर के खड़े हुए हैं, कैसे काम करना सर, आज क्या ले ले वो ले ले, तो बड़ा पावरफुल फील होता है। 22 साल का लड़का 40 साल का आदमी सामने खड़ा है जी, कि मैं कहा ठीक है मैं बता रहा हूँ, मैंने कहा सर ये ले लो, मैं बड़े कॉन्फिडेंटली बता था सर अभी गिरेगा स्टॉक, मैं कहा अभी मार्केट नीचे आ जाएगी देख लेना, 15 मिनट में मार्केट नीचे। कह रहे यार क्या बात है ये, वो बड़ा वो लगता था कि यार इंडिकेटर इतने परफेक्ट हो गए, चीज़ें मालूम है, बैकडोर मालूम है, फ्रंट डोर मालूम, मतलब मुझे पूरा मालूम है कि इंडस्ट्री में, कि आप मुझे नदी में समुद्र में कहीं भी फेंक दो मुझे मालूम है मुझे निकले कैसे आना है। तो मुझे मालूम है कि ना भेर बनने में फ़ायदा है ना बुल बनने में, आपको फिशर बनना पड़ेगा, कि आपको फिशिंग करनी आनी चाहिए, कि आपको मालूम है कि पैसा कहाँ मिलेगा। फिर मैंने ना अपने दोस्त को फ़ोन किया अंकित को कि यार मैं कहा भाई क्या चल रहा है, उसने बताया कि भाई मेरा तो बढ़िया चल रहा है। मैंने कहा यार कैसे, तो उसने बताया कि मैंने ये किया वो किया, मतलब सही है उसकी जर्नी ठीक ठाक हो गई। मैंने ना उसे अपने दिल की बात उसके तरीके से कहलवा ली, जैसे उसने मेरे को बेयर बना दिया अपने तरीके से। तो मैंने उसे कहा कि यार कुछ बड़ा करने का दिल नहीं करता, कि ये मतलब कब तक ट्रेडर बन के रहेगा, फर्म खोलते हैं ना। तो उसने कहा कि यार फर्म तो खोल लेंगे, मगर मेरे को तो इतना वो आइडिया नहीं है, मैं तो ट्रेडिंग करता हूँ, मेरे को ट्रेडिंग से वो है, मैं ज़्यादा फर्म के चक्कर में पड़ा नहीं और पेपर वर्क मैंने इतने किए नहीं, तो मुझे कोई आइडिया नहीं कुछ खास। तो मैंने कहा कि यार ठीक है मैं ये सब मैं हैंडल कर लूँगा, तू पैसे बता पैसे कितने डाल देगा। उसने कहा जितने तू गए मैं उतना डाल दूंगा और हम कर लेंगे फर्म का काम कर लेंगे। तो मैंने कहा कि ठीक है, तो उसने पैसे डाले, उसने मुझे पैसे दिए, फिर हमने सब ब्रोकिंग में फिर बात, तब तक मेरा पेपर भी बन के आ गए पर PMS इतना बढ़ा चुके थे कि हम इतना कर, उसने फिर हमने बात की कि यार कि कैसे करें। फिर हमने दिल्ली में ऑफिस लिया, सब कुछ किया, फिर उसके बाद हमने काम करना शुरू किया। फिर उसके बाद तो देखिए सर गेम क्या हुआ, हम कुछ दिन ट्रेड करते रहे, बढ़िया पैसा बनाया, दबा के क्लाइंट खोले, बड़ी बड़ी नोएडा की बड़ी बड़ी फर्म के AVP सबके अकाउंट हमारे पास थे, जो US मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं सबके अकाउंट हमारे पास हैं, हम दबा के काम कर रहे हैं बढ़िया। पर मतलब फ़ोन बंद ही नहीं होते थे, पूरे दिन फ़ोन बजते थे, सब होता था कि मन नहीं कर रहा फ़ोन नहीं उठाना, ऐसा होता सैटरडे संडे लगता था कि यार मार्केट बंद क्यों है, 2 दिन और होती तो इतना ब्रोकरेज जनरेट हो जाती, इतना बन जाता, क्योंकि ब्रोकिंग के साथ साथ तो हम अपने भी पैसे बना रहे थे।
तब तक उसको करेंसी में एक्सपर्टीज बहुत हो गई थी, थोड़े नॉलेज मेरे को थी, तो हमने फिर करेंसी में काम करना शुरू किया। क्लाइंटों को डिलीवरी में भी काम करा रहे हैं, इंट्राडे में भी करा रहे हैं, कमोडिटी में, पर करेंसी में हमने बहुत बल्क में पोजीशन बनाना शुरू करी। जितना मैक्स जा सकते थे हमने मैक्स काम किया, और फिर उसके बाद एक बढ़िया से करेंसी शॉर्ट हुई। हमने करेंसी पहले शॉर्ट करके चल रहे थे, फिर हमने करेंसी बाय करी, हमने बाय की और एक अच्छी क्वांटिटी में बाय करी, क्लाइंटों को बाय कराई। वो लाइफ लॉन्ग लो था उस करेंसी का, तो हिस्टोरिकल डाटा ही कह रहा था कि ठीक है, टेक्निकल कह रहे हैं ठीक है, न्यूज़ कह रही ठीक है, बाय कर लिया। वो लगातार गिरती गई गिरती गई, एवरेज बनाते गए बनाते गए। अब उसके बाद अब गाजी अब ये बर्दाश्त से बाहर है। वहाँ से ब्रोकर का फ़ोन आ गया, भाई पोजीशन काटनी पड़ेगी आज। और हमने कहा कि यार दो दिन होल्ड करने का पैसा नहीं है, और पक्का रिवर्सल आएगा, पक्का आएगा। फिर एक दोस्त से क्रेडिट पर पैसा उठाया। अब सर हमें लगा कि अगर इसको दो दिन होल्ड कर लूँगा तो बचा लूँगा, तो हमने ऑक्सीजन की तरह से यूज़ किया उसके पैसे को, डाला, और दो दिन में कुछ नहीं हुआ। इतने में न्यूज़ बाहर आ गई कि क्या नाम है, यूरो के खुद ही स्विस बैंक वालों ने खुद शॉर्ट किया हुआ था पोजीशन। आपने देखा होगा एक न्यूज़ आई थी जब, तो उन्होंने शॉर्ट की हुई थी, हम बाय करके चल रहे थे। जब खुद ही ओनर ही बेच रहा है तो आप कितना होल्ड कर लोगे उसे। उस दिन हमसे बिना पूछे ब्रोकर ने सदा उड़ा दिया, आपके पैसे थे ही नहीं अब होल्ड करने के। हमने कहा काट दो, काट दिया। दो दिन बाद मार्केट क्लोज थी, मार्केट बंद रही, और मंडे को एक रुपये ऊपर, दो रुपये, तीन रुपये, चार रुपये, वो चलना शुरू हो गया ऊपर। हम पोजीशन लॉस में काट के निकल चुके थे और सारा पैसा ख़त्म फिर से। और अब तो रेंट भरने का पैसा नहीं ऑफिस का। अब कहा यार अब क्या करें, तो फिर कहा जी इसे बंद करो, बहुत हो गया ये मजाक, इस तरीके से बात बन नहीं रही भाई। अब ये तो यार जब हम करते कुछ ना कुछ नया हो जाता है, 10 दिन 20 दिन 6 महीने पैसे कमाए फिर एक लॉस, सब बराबर। तो मतलब कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि काम करे तो करे कैसे एग्जैक्टली, कि इस तरीके से काम बनेगा नहीं। तो वो दोस्त अपने घर वापस गया, वो दोस्त अपने घर वापस गया, उसने ये बोला कि मैं बीमार हो गया हूँ। मैंने कहा वो बीमार हो गया है अपने घर में, दोनों ने बहाने लगा दिए। हाँ हमने दोनों ने बहाने लगा दिए कि यार वो बीमार हो गया, उसने मैंने बोला कि वो बीमार हो गया, अकेले काम करेंगे कैसे, इसलिए हम अपने अपने घर आ गए वापस ऑफिस बंद करके। अब ब्रोकिंग तो इंडस्ट्री चली रही है हमारी, तो फिर मैंने कहा यार इस तरीके से काम बनेगा नहीं ना। फिर कहा कि यार काम करे तो करे कैसे, अब दोबारा स्टार्ट किया, सारी किताबें दोबारा खोली कि यार अब भी गलती हो रही है। अब फिर मन को मजबूत करना होगा, चाहे कुछ हो जाए, पैसा कितना भी दिखे, अब जितना हमारे नसीब में है उसको लो और निकलो। ये जुआ खेलना ही नहीं है कि मेरा टारगेट हिट होगा तो ही मैं निकलूंगा। कुछ दिन मोटिवेशन वीडियोस देखे, संदीप महेश्वरी, मतलब बहुत सारी चीज़ देखी, मतलब दिल मानने को तैयार नहीं, दिल मानने को तैयार नहीं। किताब, लोग कहते किताब पढ़ लो। अब उस दिन के बाद ना मुझे महसूस हुआ कि दोस्त कितने इंपॉर्टेंट है। पहले तो पैसा पैसा भाग रहा था, अब मैं, अब जो मेरी इंडस्ट्री के दोस्त हैं वो अलग कह रहे हैं कि आ जाओ मिलते हैं, मिलने का मतलब है कि आदमी बैठे हैं। मैं कहा जी मैं इस मोमेंट में नहीं हूँ कि मैं बैठ सकूँ, ठीक है, इस टाइम मुझे कहीं अकेले जाना है। फिर मेरे घर में फिर मैंने अपने बोला कि ना मैं कश्मीर जाना चाहता हूँ। अब घर वालों को लगा लड़का कहीं पागल तो नहीं हो गया, भाग जा रहा घर से। मैंने कभी गिटार बजाया नहीं, मैं कहा मुझे गिटार सीखना है, ठीक है, ओके। मैंने कहा मुझे गिटार सीखना है, ठीक है। मैंने कहा मुझे माउथ ऑर्गन, मैंने ऑर्डर किया गिटार मंगाया, फिर मैंने माउथ ऑर्गन मंगाई, कि मैंने कहा कि मेरा दिल ही नहीं लग रहा किसी से, मैं दोस्तों से बात नहीं कर पा रहा हूँ। रीज़न ये है कि इतना गैप हो गया है कि बात करने में कुछ बचा नहीं है। मेरी मुलाकात उस दौरान हुई कुछ ब्रोकर से, तो क्या नाम है, इंडस्ट्री ब्रोकर थे वो, तो रियल इस्टेट बिल्डर्स वगैरह, तो मेरी उनसे बात हुई, उनसे मुलाकात हुई। वो भी काफ़ी अच्छे थे, पंजाब साइड के हैं, तो उनसे मुलाकात हुई। वो बहुत जेन्युइन और बहुत दिलखुश आदमी, उनसे मैं फिर मेरा मुलाकात इस तरह होती गई जैसे बड़े भाई की तरह। उन्होंने मुझे बड़ा वो किया कि नहीं तू बैठ, ये वो, मेरे साथ बैठ। मेरे से उन्होंने पूछा कि तुम क्या करते हो, एक रैंडम मुलाकात थी, हम एक प्रॉपर्टी परचेज करने गए थे, वहाँ मेरी उनसे मुलाकात हुई, और उसके बाद से बहुत अच्छी दोस्ती। और उन्होंने मुझे बहुत केयर किया, उनके ज़रिए मैं बहुत लोगों से मिला, बहुत बड़े, दोबारा से वही वापस शुरू हो गया, वो दोबारा ट्रैक वापस आया। उनके ज़रिए मैं दोबारा बड़े बड़े पॉलिटिशियन, ये वो दोबारा शुरू हुआ, और फिर दोबारा मेरे को वही फेम वही नेम मुझे दोबारा मिलने लगा उनके ज़रिए। सेकंड चांस बहुत कम लोगों को मिलता होता है। और फिर ना मैंने ना उनके पास से ये एक चीज़ सीखी कि ना, मैंने उनसे बोला कि आप ना बहुत तरीके लोगों से मिलते हो तो आप इन्फ्लुएंस नहीं होते, कि ये बहुत सारी चीज़ें करते हैं, इलीगल एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व होते हैं, हर चीज़ होती है। तो उन्होंने कहा देखो यार शौक अपना अपना होता है, घर
आपका खुद का ही है। अगर आप अपने घर को आपके दोस्त के नज़रिए से चलाने की कोशिश करोगे तो शायद Correct. आपके घर वालों को दिक्कत हो। आपको रहना तो अपने घर वालों के साथ है, ठीक है, तो आप वो काम करो जो आपके घर वालों को अच्छा लगता हो और जो आपके बैकग्राउंड से रिलेटेड हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कहो कि मेरे को तो क्या नाम है बंगलों में रहने की आदत है, मैं घर में छोटे घर में नहीं रह सकता, इसके लिए आप अपने घर वालों झगड़ा कर रहे हो, तो ये गलत है। आपका दोस्त अंग्रेज का ये मतलब थोड़ी कि आप भी वही करने लगो, मेहनत करो घर वालों को वहाँ तक लेके आओ। तो उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, वो मुझे डेली फ़ोन करते थे, आ जा इससे मिलते हैं, इससे मिलते हैं। वो मुझे बहुत मतलब वो टाइम मेरा ऐसा था कि जब मुझे ना किसी के साथ की ज़रूरत थी तो वो मुझे मिले, उनके ज़रिए मैं बहुत लोगों से मिला, बहुत लोगों से बातचीत हुई, मेरा मोराल दबा वापस आया। तो उन्होंने कुछ चीज़ें कही, मैंने वही उनसे पूछा कि कई सारी प्रॉपर्टी में, मैंने उनसे पूछा कि प्रॉपर्टी में कई सारी, वो ना उनकी सबसे अच्छी आदत क्या थी ना, जैसे बाकी लोग एज कम है मेरी यार, साथ में बैठ जा, तो उनके साथ प्रॉपर्टी विजिट में जा रहा हूँ मैं नोएडा गया, कहाँ कहाँ घुमा उनके साथ, गाड़ी में बैठ के भाई सुबह निकले रात हो गई, क्या बात है। तो फिर उसके बाद से फिर मैंने पूरा ट्रैक चेंज कर दिया, मैं पोजीशन शॉर्ट नहीं करता था, okay. फिर मैंने पोजीशनली ट्रेडिंग करना शुरू कर दी कि मैं डिलीवरी में काम करता हूँ, स्टॉक ले लिया मेरे हिसाब से ठीक है, मेरे टारगेट आए तो मैं प्रॉफिट बुक करके निकल लेता था, नहीं भी आ रहे मैं प्रॉफिट में हूँ ठीक है मेरा काफ़ी है, मैं प्रॉफिट बुक किया निकल गया। और फिर थोड़ी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट हो गई, फिर उनके ज़रिए और भी लोगों से मुलाकात होती रहती हैं, जिसकी वजह से अभी ठीक चल रहा है और बुकिंग दोबारा वापस लेवल पे आ गए। क्या बात है यार, बड़ा अभी तक का अभी तक की जर्नी बड़ी वैसी रही कि मतलब मैं पहली बार आप किसी को बता रहा हूँ इस तरीके से कि मैंने एक बात किसी को नहीं बताई कि जितने मेरे साथ 3-4 साल में बीती हैं कि लोगों ने कहा कि ये चीज़ हमने देखी तक नहीं है, बुक में कहीं लिखी भी नहीं है, जो तुम वो घूम के आ गए वो उन गलियों तक मार्केट की कि कुछ नहीं बचा। आई कैन वाउच फॉर दैट। मतलब ये तो चीज़ मैं भी एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि यार आपकी ज़िंदगी ना हैज़ बीन रोलर कोस्टर राइड, कहते हैं ना जी, कभी ऊपर कभी नीचे, पूरा और भगवान की दया भी रही है कि अलग अलग टाइम पे अलग अलग लोग भी मिलते रहे हैं, दोस्त भी मिलते रहे हैं, घर से सपोर्ट भी मिलती रही है जी। तो ये चीज़ें एट सेम पॉइंट इन टाइम होना इज़ काइंड डिफ़िकल्ट। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि आप स्टॉक मार्केट की सारी अंधेरी गलियों में जाके वापस आ चुके हो। जो लोग 25 से 30 साल में एक्सपीरियंस करते हैं, वो मुझे बस कुछ चंद 3-5 साल में मुझे एक्सपीरियंस करने का मौका मिला। और मुझे सच में लगता है कि जो जर्नी बहुत लंबी होनी चाहिए थी 25-30 साल, मतलब सच में इस मार्केट को एक्सप्लोर करने के लिए 25-30 साल ही चाहिए, तभी आदमी वहाँ तक धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप पहुँचता है। अब मैं बुलेट ट्रेन में बैठ गया और बहुत जल्दी सब चीज़ों को एक्सप्लोर कर लिया। और अभी तक मतलब जो मैंने देखा है मार्केट को, तो मेरे हिसाब से लगभग कि मैंने सारे ग्रे एरिया और जितने भी थे वो सब टच कर लिए। अभी रिसेंटली मतलब मार्केट में अभी आप कुछ देखेंगे तो काफ़ी न्यूज़ में भी आप सुन रहे होंगे कि स्टॉक ऑपरेट हो रहे हैं, ऑपरेटिंग चल रही है, स्टॉक बड़े सारे स्टॉक न्यूज़ में रहते थे कि इसमें ऑपरेटिंग चल रही है, 200 का लिया 700 1500 चला गया, 3 रुपये का 1500 हो गया, बहुत सारे स्टॉक्स हैं आपको मालूम है। तो उसी में मेरा एक फ्रेंड है, तो उन्होंने मुझे कॉन्टैक्ट किया कि यार आपसे ना कोई मिलना चाहता है, 100% है, एक मीटिंग अरेंज की है अगर आप मिलना चाहोगे तो। अब इतना बड़ा उन्होंने नाम बोला कि मैंने कहा ठीक है, मिलने में क्या जा रहा है, मिल लेते हैं। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि ये स्टॉक ऑपरेटिंग क्या है, तो मैंने अपने दोस्त की तरफ लुक दिया कि यार ये क्या चीज़ पूछ रहे हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं उन्होंने आपकी बड़ी तारीफ़ की, बताया कि आपको ये इतनी सारी नॉलेज है, इतनी कम एज में इतनी बड़ी फर्म रन करते हैं आप और इतनी कम एज में, तो बताइए अगर आपको मालूम है तो इसके बारे में। तो मैंने थोड़ा बताया कि हाँ इस तरीके से होता है, बड़ा कार्टल है, बहुत इस तरीके बहुत सारी चीज़ मैंने उन्होंने बताई टेक्निकल जो उनके नहीं समझ में आई हालांकि। तो उन्होंने पूछा कि अगर मान लो कि हम आपको पैसा दें तो क्या वो ऑपरेट हो सकता है। अगर तो हो तो सकता है मगर मैं करूँगा नहीं, क्योंकि पहली बात देखो मेरे पास इतना बड़ा कार्टल नहीं है, पहली बात अगर बना के दें तो। उन्होंने लगभग मेरे जैसे ना यंग ट्रेडर्स पकड़े हुए थे उनके पास थे, मैं अपनी पुरानी गलतियों से सीख चुका था। तो मैंने कहा कि सर देखिए आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा मगर मैं ये कर नहीं पाऊँगा। उन्होंने कहा नहीं, इन्होंने तो आपके बारे में बहुत बोला है, ये वो दोस्त क्या यार मेरी बेइज्जती हो जाएगी तो ऐसा कर रहा है। मैंने कहा देखो अगर आप मुझे पहले ही कहते तो मैं मना कर देता कि मैं इसलिए आऊँगा ही नहीं और मुझे ये काम नहीं करना। उन्होंने कहा नहीं, आपको दिल्ली में अरेंज करा के देंगे, सब करा के देंगे, पुराना सिस्टम है, बहुत चलता है, अगर आप कर सको तो कर लो, जो बोलो हम वो देने को तैयार हैं। कह रहे जितना अमाउंट आप चाहो, अपनी पूरी फैमिली की पोजीशन बना लो अलग से
अलग अलग ब्रोकर, जैसे आप करना चाहो कर लो, जो करना चाहो कर लो, कि आप इतना पैसा बना लोगे जितना आपने कभी सोचा नहीं होगा। वो तो हालांकि इस बात भी सही है कि सोचा नहीं होगा इतना पैसा, तो मैंने कहा कि यार मुझे करना नहीं है। तो विपिन, वैसे तो बहुत लोगों से बात होती है, लेकिन ये जो जर्नी थी, लाइफ जर्नी थी, जिसमें हमने देखा कि स्टॉक मार्केट के या इन्वेस्टमेंट स्पेस के जितने भी फैसेट्स या अनधेरी गलियां होती हैं, उसमें जाने अनजाने आप कभी ना कभी पहुंच ही जाते थे, विच इज़ वेरी रेयर कि एक ही इंसान की लाइफ में इतना कुछ इकट्ठा हो जाए। बट देन एट द सेम टाइम इट गिव्स यू एक्सपीरियंस, आपको एज मिलता है, नॉलेज मिलती है, विजडम मिलती है, कि एक्चुअल लेवल पे जो दिक्कतें हम कागज़ों पे, किताबों पे, ऑनलाइन देखते हैं या किसी एक आधे बंदे का एक्सपीरियंस सुनते हैं, लेकिन आपने वो सारे एक्सपीरियंस खुद से एक तरीके से अपनी लाइफ में देखे हैं, तो दैट कैन हेल्प्स एज वेल। और आपको वो समझ देता है वो मार्केट, कि बाकी लोगों को भी आप इस तरह से ही अपनी नॉलेज शेयर करते रहें। एक इंस्पिरेशन मिलती है कि यार हमेशा प्रॉफिट की बातें करते हैं, लेकिन दूसरी साइड भी देखें तो काफ़ी लोग हैं जो आपसे ये चीज़ सीख सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू।